हेलो नमस्ते वेलकम और वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू ऑन योर वेरी ओन प्लेटफॉर्म हिंद ग्रू अकेडमी सो बेटा एज यू नो दैट इन द लास्ट क्लास वी वर ऑलरेडी कंप्लीटेड आवर फाइलम एस्कलमेंटिस एनेलिडा एंड दी आर्थ्रोपोडा बट या हमने आर्थ्रोपोडा के फाइलम में हमने उनके एग्जाम्पल्स डिस्कस करे थे बट मैंने तुम्हें एग्जाम्पल्स रिटर्न वे में नहीं पाए थे यस आई नो आई रिमेम्बर ओके तो तुम लोगों को कोई ये नहीं होना चाहिए और मैम आपने लिखवाया तो था नहीं तो इसलिए आज हम पहले एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे देन वी विल डिस्कस अवर नेक्स्ट फाइलम ओके फाइन और आई होप आप लोग अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे अच्छे से पढ़ रहे होंगे ठीक है तो यू आर माई स्टूडेंट्स आई होप आप लोग अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करने हैं कुछ भी हो जाए और एन हर लेक्चर के बाद उसे जाके देखना है निहारना है उस पर जंग नहीं और हद्दी पे नहीं जानी चाहिए वो तो ओके सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ दी इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट्स अब हर इंसेक्ट्स तो अच्छे नहीं हो सकते ना अब जरूरी नहीं ना सब आपको फायदा ही पहुंचा रहे हो समाधि आदि टू तो हम पहले वो वाले इंसेक्ट देखेंगे जो अच्छे हैं जिससे हम अपना फायदा उठाते हैं हम है ना हम हमेशा हर किसी से अपना फायदा ही देखते हैं ओके तो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट बेटा द फर्स्ट वी हैव एपिक्स बेटा फर्स्ट हमारे पास होती है एपिक्स विच इज योर हनी हनी बी बी बेटा दो तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं हमें हनी बी से वन इज हनी एंड द सेकेंड इज बी हनी बी से आपको क्या मिलता है बेटा एक आपको मिलता है हनी एंड द सेकेंड वॉट यू आर गेटिंग बच्चा यू आर गेटिंग द बी वेग ओके हनी को हम किस लिए यूज करते हैं हनी तुम लोगों ने अपने घर में भी देखा होगा ना जब कफ वगैरह हो जाता है तो मम्मा लोग क्या करते हैं हनी और जिंजर का पेस्ट बना के देते हैं है ना और हम हनी को बेटा एज अ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एज अ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी यूज करते हैं एंड द नेक्स्ट थिंग बेटा हनी को अगर हॉट वाटर या जो कोम वाटर में मिला के पीओ तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू लॉस योर वेट तो देखो मैम कितनी अच्छी ट्रिक्स बता रही हैं एंड नेक्स्ट बेटा द बी वैक्स विच इज द ट्रू प्रोडक्ट ऑफ हनी बी अगर मैं आपको बोलूँ कि हनी भी, हनी बी का हनी या बी वैक्स में से कौन सा ट्रू प्रोडक्ट है तो so, झट से बोलोगे ना हनी है हनी है नहीं हनी नहीं है बीवैक्स है बिकॉज बी वैक्स यू आर गेटिंग फ्रॉम दी उसके एबडोमिनल ग्लैंड से सो यू आर गेटिंग बी फ्रॉम वेयर बेटा फ्रॉम दी आर एबडोमिनल ग्लैंड से हमें जो बी वैक्स मिलता है ना बेटा बी वैक्स हमको एबडोमिनल ग्लैंड से मिलता है हनी बी के अब बेटा ये बी वैक्स के बहुत फ़ायदे हैं लड़कियों को तो पता होगा क्या करते हैं वैक्सिंग कराते हैं ना हेयर रिमूवल के लिए आजकल तो एनी वेज लड़के भी कराते हैं एंड सेकेंड थिंग हम इसका कॉस्मेटिक uh, इंडस्ट्री में एज अ लिप बाम बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं एंड बी वैक्स के जो लिप बाम्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज में भी हम इसे यूज करते हैं अपनी बैंडेजेस वगैरह में बनाने में उन्हें नॉन स्टिक बनाने में एंड बेटा हनी क्या है हनी इज दी हनी इज दी वॉमिटिंग ऑफ हनी भी, अब क्या कह रहे आज से हनी नहीं खाने वाले हम ऐसा नहीं है तो क्या होता है जो हनी भी होती है ना वो नेक्टर कलेक्ट करती है फ्रॉम फ्लावर्स है ना नेक्टर कलेक्ट करा उसने फिर वो अपने कहाँ जाएगी बीह जाएगी डाइजेस्ट करेगी उस नेक्टर को, और के बाद उस नेक्टर को वॉमिट आउट कर देगी और वो इकट्ठा होता रहता है बढ़िया so, yes, okay? so, होता है और डाइजेस्टिव है इसलिए वो खराब भी नहीं होता नेक्स्ट बेटा बॉम्बे सिल्क वाम इतने तो कितने बेटा बॉम्बे सिल्क वाम में उनकी प्रॉपर बटरफ्लाई आने से पहले ही उनको बॉयल करके उन कुकोन्स को और सिल्क के थ्रेड निकालते हैं विच इज़ वेरी टाइप ऑफ अ ट्रूवल बट ठीक है हम एज अ इंडस्ट्रियल पर्पज उसे यूज़ कर रहे हैं तो दैट इज़ योर सिल्क एंड चाइना वॉज द फर्स्ट बेटा जिसने ये सिल्क की डिस्कवरी करी थी लेसिफर बेटा लासीफर आप एक इंसेक्ट होता है बेटा इसे लैक इंसेक्ट भी बोलते हैं और जो लेसिफर होता है उसका जो प्रोडक्ट होता है बेटा वो लैक होता है लेसिफर का जो बेटा प्रोडक्ट होता है वो लैक होता है वो ग्लोइंग टाइप होता है चिपचिपा सा नहीं होता चिपचिपे जैसा होता है और ये बैंगल इंडस्ट्रीज बनाने में हम यूज करते हैं और ऑल्सो बेटा जहाँ पर हमें ग्लोइंग एजेंट की नीड होती है तो और भी इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं बट मेजोरिटी अगर हम देखें तो वेयर वी आर यूजिंग सो हम इसे बैंगल इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं नेक्स्ट बेटा अब यहाँ पर आ जाओ वेक्टर्स वाले इंसेक्ट में द फर्स्ट कैटेगरी मैंने अच्छी वाली बताई इकोनॉमिकली वाली नाउ वेक्टर्स दे आर नॉट सो गुड बेटा दे आर वेरी बैड बिकॉज ये आपको डिसीज कॉज कर रहे हैं कौन सा है एनोफिलिस मॉस्किटो जो डेंगी कॉज करती है ना सॉरी सॉरी एनोफिलिस मॉस्किटो जो आपको क्या कॉज करती है बेटा मलेरिया कॉज करती है व्हाट इज कॉजिंग बेटा मलेरिया क्योंकि एनोफिलिस मॉस्किटो अपने लार्वा में पैरासाइट पैरासाइट कंटेन करती है ना कौन सा है, है न, होता है बेटा प्रोटोजोवन ये नो प्रोटोजोवन के टाइम पता है ना प्लाज्मोडियम होता है प्लाज्मोडियम ओवल प्लाज्मोडियम वाइवेक्स प्लाज्मोडियम मलेरिया प्लाज्मोडियम फैलसी ओके डू नॉट वरी अबाउट इट जब मैं आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज पढ़ाऊंगी देन आई विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ योर डिफरेंट टाइप ऑफ प्लाज्मोडियम विच कॉजिंग दी मलेरिया बेटा एनोफिलिस मॉस्कीटो इट जस्ट अ वेक्टर कभी नहीं बोलना कि मलेरिया एनोफिलिस मॉस्किटो से होता है नेवर बेटा वो सिर्फ एक वेक्टर है जो कॉज करने जो उस प्रोटोजोआ को कैरी कर रही है द एक्चुअल पैरासाइट विच कॉजिंग द बेटा मलेरिया दैट इज योर प्रोटोजोआ ओनली

जो अटैक करते हैं ग्रुप में ग्रिगेरियस पेस्ट बेटा वो पेस्ट होते हैं जो ग्रुप्स में रहते हैं एंड ये ग्रुप्स में अटैक करते हैं बेटा आंट भी ग्रुप में रहती है एंड दिस वन इज आल्सो लिविंग इन ग्रुप बट डिफरेंस क्या होता है दोनों के अंदर बेटा वो ग्रुप में रहती है और दोनों हमेशा एक दूसरे की हेल्प करती है एंड आंट का एग्जांपल दिया भी जाता है ना यूनिटी के साथ रहो बट सी बेटा दे आर नॉट लाइक दी आर्ट बहुत है ग्रुप में रहते हैं बट बट ग्रुप में रहने के बाद भी एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी ना चलता बन ऐसे कर देंगे दे आर नॉट हेल्प टू ईच अदर अभी आपने सुना होगा लोकस्टा अटैक हुआ था कोविड के टाइम पे और ये क्या करते हैं बेटा क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं एग्जाम्पल बेटा लोकस्टा इसे लोकस्ट भी बोलते हैं लिविंग फॉसिलिविंग फॉसिल उसको बोलते हैं जो बेटा इवोल्यूशन में जैसा आया था अभी भी वैसा है उसके अंदर कोई भी इवोल्यूशन नहीं हुई है दे डोंट शो एनी काइंड ऑफ इवोल्यूशन इन्होंने कोई भी इवोल्यूशन शो नहीं करी है इसलिए हम इनको लिविंग फॉसिल बोलते हैं ठीक है एंड द एग्जाम्पल इज योर लाइमस विच इज योर किंग क्रैप एंड आपकी ट्वेल्थ क्लास की इवोल्यूशन की बुक में भी एक अलग एग्जाम्पल दिया हुआ है विच इज योर सीलियो तिलियो केन्थ कौन होती है बेटा लो फिन फिश मैं क्यों यहाँ पर उसे रिलेट कर रही हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे आप लोगों को सब पता होना चाहिए और आप हर एक दूसरे चैप्टर को इंटरलिंक्ड करते हुए चलोगे ना तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू ओके तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अवर नेक्स्ट फाइलम दैट इज योर फाइलम मोलस्का कौन सी फाइलम स्टार्ट करिए बेटा हमने मोलस्का मोलस्का का नाम मोलस्का क्यों रखा गया बिकॉज मॉलस्का वर्ड कम्स फ्रॉम दी मॉलिस ओके हम यहाँ पर कुछ इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखेंगे बेटा मॉलिस का मॉलिस का वर्ड कम फ्रॉम द बेटा मॉलिस ये आपका मॉलिस से आया है मॉलिस का मतलब होता है सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनिज्म ये कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनिज्म अगर आप इनकी बॉडी देखोगे ना बहुत ही स्मूथ सॉफ़्ट से होते हैं बहुत से लोग भीतर ना बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट से डेलिकेट से होते हैं तो दे आर जस्ट लाइक दैट इनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है बहुत स्मूथी होती है इसलिए बेटा इन इसका जो टर्म आया ना मॉलिस से आया इसलिए हम इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है तो हमने इनका नेमिंग करा का। मॉलिस का एंड मॉलिस का वर्ड्स कहाँ से आया बेटा इट कम्स फ्रॉम दी मॉलिस और मॉलिस का मतलब क्या होता है सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी सॉफ्ट होती है ओके okay? बेटा अगर मैंने आपको बोला था आर्थ्रोपोडा इट इज दार्जेस्ट फाइलम अमंग ऑल ऑफ दर फाइलम आर्थ्रोपोडा आपकी सबसे बड़ी लार्जेस्ट फाइलम है ना देन योर बेटा कम टू द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम सबसे सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम कौन है डैट इज योर मोलेस्का ओके तो मोलेस्का इज वॉट बेटा इट इज दार्जेस्ट फाइलम मॉलेस्का इज वॉट बेटा इट इज लार्जेस्ट वाइल बेटा ऐसा नहीं है हर किसी की बॉडी थ्री पार्ट में डिवाइड होगी मेजोरिटी जस्ट लाइक दी आर्थरो में भी हमने क्या करा था बॉडी उनकी तीन पार्ट में डिवाइडेड हो रही थी याद है एबिन इनकी भी बॉडी तीन पार्ट में डिवाइडेड होती है वॉट आर दीज थ्री पार्ट बेटा क्या है ये थ्री पार्ट पहला होता है बेटा हेड सेकेंड होता है आपका विसरल हम सेकेंड होता है बेटा आपका थर्ड होता है बेटा इनके मस्कुलर फूट क्या होते हैं थर्ड बेटा इनके मस्कुलर फूट अब बेटा मैं इधर तुम्हें मॉलस्का का डायग्राम बना के दिखाऊंगी ओके okay? एक स्नेल लेते हैं बेटा स्नेल से एग्जाम्पल समझेंगे मैं सुंदर सा बनाने की कोशिश करूंगी ओके okay? आप भी ऐसा सुंदर सा डायग्राम अपनी नोटबुक्स में बनाना ओके okay? तो ये अपना स्नेल बन गया बेटा स्नेल के ऊपर आपने हम्प भी देखा होगा ना तो यहाँ पर ये हम्प बना दिया ओके, वॉट इज इट बेटा इट इज हंप। सो बेटा जो मॉलिस्का की बॉडी होती है वो तीन पार्ट में डिवाइडेड होती है सो दिस पार्ट इज वॉट बेटा दिस पार्ट इज दी हेड ये कौन सा पार्ट हो गया हेड हो गया बेटा ये हम्प रीजन है हम्प जैसा लग रहा है ना जैसे ऊट के ऊपर आपको ऐसे हम्प दिखता है ना करवी शेप का ऐसे इसका हम्प है तो इस पोर्शन को आप बीच वाले को क्या बोलोगे विसरल अभी बताऊंगी कि विसरल 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 क्यों बोलते हैं बेटा इसे और मास भी कह सकते हो इसको आप विसरल हम और विसरल मास भी बोल सकते हो देन बेटा ये क्या है इसके दीज आर दी मस्कुलर फूट ये इसके पैर है मस्कुलर फूट है ये इसके ओके okay? नेक्स्ट बेटा इनका जो माउथ होता है ना माउथ में इनके पास एक रेड्यूला होता है इज वर्ड बेटा रेड्यूला इज अ फाइल लाइक ऑर्गन इज वर्ड बेटा रेड्यूला इट इज अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन विच इज असोसिएटेड विद देयर माउथ एंड बेटा रेड्यूला और या कोई भी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर दिया होगा ना किसी भी फाइलम में तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एग्जामिनर आपसे वहां से क्वेश्चन पुट ऑन कर सकता है

रेड्यूला से ही बेटा आगे कंटिन्यू होता है इनकी विसरल ओके सपोज बेटा दैट ब्लू वन इज दी विसरल ये क्या है बेटा एलिमेंट्री कैनाल बना दी मैंने ओके okay? बेटा रेड्यूला आगे फर्दर कंटिन्यू होती है बेटा एलिमेंट्री कैनाल में और एलिमेंट्री कैनाल क्या है विसरल है ना विसरल ऑर्गन तो बेटा मोस्टली विसरल ऑर्गन इस विसरल पार्ट में होते हैं इसलिए इसे विसरल हम बोलते हैं देखा एवरी थिंग हैव अ लॉजिक हर चीज के पीछे लॉजिक है ऐसी नहीं मुंह ठाके विसरल हम बोल दिया कि अच्छा लग रहा है तो विसरल हम बोल दो अरे क्यों बोला क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल यहाँ हम्प वाले रीजन में है ना और विसरल ऑर्गन क्या होता है सॉफ्ट टिश्यू ऑर्गन लाइक योर लंग्स इंटेस्टाइन योर एलिमेंट्री कैनाल किडनी यही सब तो है विसरल और विसरल ऑर्गेन सो so इसलिए हमने इसे विसरल हम्प बोला और मस्कुलर फूट मसल्स के फूट होते हैं इनके हेड तो तुम्हें पता ही है हेड वाला रीजन है अपना भी इसे हेड ही बोलोगे ना सॉरी इसे हेडी बोलोगे ना अब नेक्स्ट बेटा आप यहाँ पर जो ये देख रहे हो विसरल विसरल हम्प के नीचे बेटा, एक लाइनिंग होती है जिसे मैं पिंक कलर से शो कर रही हूँ इस लाइनिंग को बेटा हम मेंटल बोलते हैं क्या बोलते हैं बेटा हम मेंटल बोलते हैं बेटा मेंटल वो लेयर होती है विसरल हम्प में जो बेटा ये हम्प में कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रीशन करती है किसका सिक्रीशन करती है बेटा कैल्शियम कार्बोनेट का ये मान लो बेटा ये कैल्शियम कार्बोनेट के सिक्रेशन हो गए ओके विसरल हम बेटा कैल्शियम कार्बोनेट की जो सिक्रेशन हुई वो किसने करी मेंटल ने करी अब यहाँ पर बेटा आप एक कैविटी देख रहे होंगे इस कैविटी को हम बोलते हैं मेंटल कैविटी क्या बोलते हैं बेटा इसको मेंटल कैविटी बोलते हैं क्योंकि खाली जगह है और मेंटल के साथ एसोसिएटेड है तो इसे मेंटल कैविटी बोलते हैं अब नाउ क्या इंपॉर्टेंट है मेंटल कैविटी में बेटा एक लाइक स्ट्रक्चर होती है कैसी स्ट्रक्चर फेदर्स देखे ना पंख पंख जैसे स्ट्रक्चर होती है मेंटल कैविटी में जिसे हम टिनिडिया बोलते हैं वेरी ब्यूटीफुल फेदर लाइक स्ट्रक्चर दे हैव ओके okay? बेटा इनके पास ये लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं टिनीडिया एंड टिनीडिया वो स्ट्रक्चर है बेटा जो हेल्प करती है भी और एक्सप्रेशन में भी वेरी इंपॉर्टेंट मैंने आगे लिखा भी है बट आप अपने नोट्स में यही लिखोगे टिमिडिया हेल्प इन रेस्पिरेशन एंड दी एक्सप्रेशन टीमिडिया हेल्प इन रेस्पाइरेशन रेस्पाइरेशन में भी मदद करेगी एंड एक्सप्रेशन में भी किस में मदद करेगी बेटा एक्सप्रेशन में भी मदद करेगी अम आई क्लियर टू एवरी वन बेटा बॉडी डिवाइडेड है थ्री पार्ट में हेड विसर हम मस्कुलर हम ओके ओ सॉरी मस्कुलर फुट हेड हुआ बेटा विसरल हम हुआ विसरल हम के नीचे एक लेयर होती है मेंटल जो इस शेल को बनाती है शेल होता है ना स्नेल देखे है किसी ने अगर नहीं भी देखे तो जस्ट गूगल इट गूगल तो सबके पास होगा ना फोन पे अब ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हो डोंट डेवर डेट की यूज करते अब वो गूगल करो और उसमें स्नेल देखना सो उसके ऊपर एक हार्ड शेल मिलेगी ना किसने बनाई है मेंटल ने बनाई है ठीक है

ये ऐसी रहेंगे ये ऑन टॉप ऑफ दे हैव आई देखो जल्दी इसको क्विक ओके okay? अब इसमें से कोई कुछ भी पूछे तब बताना है तुम्हें लेट्स स्टार्ट विद बेटा जनरल कैरेक्टरिस्टिक मैंने मैंनेबिट देखेंगे एंड हैबिटेट बेटा सो so बेटा हैबिट एंड हैबिटेट दे आर टेरिस्ट्रियल दे आर इक्वेटिक

मॉलेस का बेटा जो सिलोम बनाता है वो शाइजोसिलोम होता है यू सिलोमेट है टू टाइप ना दो तरह की होती है एक शाइजोसिलोम और एक एंटीरोम तो याद करो इसकी स्प्लिटिंग डायरेक्ट स्प्लिटिंग करके कैविटी बन रही थी ना इसमें सो दे आर बेटा योर शाइजो सिलोम सो so ये कैसी सिलोम इनके पास शाइजो सिलोम है यू सिलोमेट में भी ओके okay? नेक्स्ट बेटा इनकी जर्म लेयर कैसी होती है ट्रिप्लो होते हैं ये और सिलोम में यू है तीन जर्म लेयर है डेफिनेटली तभी इन्होंने सिलोम बनाया होगा एंड ट्रू सिलोम होने में भी इनके पास क्या होता है नेक्स्ट बेटा बॉडी प्लान ट्यूब ट्यूब विद इन होता है इनके पास ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान के भी दो टाइप होते हैं एक प्रोटोस्टोम्स और दूसरा ड्यूट्रोस्टोम्स तो बेटा ये कौन से थे ब्लास्टोपोअर फॉर्म्स सी माउथ फर्स्ट इनमें पहले माउथ बन रहा था ना और जिनमें पहले माउथ बनता है वो क्या होते हैं वो होते हैं प्रोटोस्टोम्स वर्ट दे आर दे आर द्रोटोस्टोम नेक्स्ट बेटा सिमिट्री कैसी है बायलेट्रल एक्सेप्ट गैस्ट्रोपोडा तब की बायोलेट्रल सिमिट्री होगी पर हर किसी में एक्सेप्शन तो होता है एंड बायोलॉजी इज द फील्ड बेटा वेअर यू फाउंड एवरी वे आर एक्सेप्शन ओके सो बेटा सिमेट्री बायोलेट्रल होती है एक्सेप्ट गेस्ट्रोपोडा गैस्ट्रोपोडा बेटा कैसा होता है ए सिमेट्रिकल होता है गैस्ट्रोपोडा कैसा होता है बेटा ए सिमेट्रिकल होता है ये याद रखना है एक्स्ट्रा है इट इज नॉट गिवन इन योर एनसीआर पहले ही बता रही हूँ बेटा सिमेट्री बायोलेटरल एक्सेप्ट किसका गेस्ट्रोपोडा गेस्ट्रोपोडा कैसे है बेटा दे आर ए सिमेट्रिकल नेक्स्ट बेटा सेगमेंटेशन एबसेंट होती है सेगमेंटेशन इनमें नहीं होती एक्सेप्ट न्योप्लीना बेटा न्योप्लीना में सेगमेंटेशन होती है पिलिना में बेटा सेगमेंटेशन देखने के लिए मिलती है बिकॉज इट इज लिंक बिटवीन दिलीडा एंड दी मोलिस्का और एनीडा कैसे थे सेगमेंटेड थे ना अभी कनेक्टिंग लिंक है मतलब एनेलिडा के भी कैरेक्टर कैरी कर रहा है और मोलिस्का के भी और बेटा इवोल्यूशन कैसे होता है सबको पता है इवोल्यूशन है ना कि कोई दूसरी फाइलम से दूसरा बंदा इवॉल्व हो क्या आता है तभी उसके पास उसके जैसे कुछ कैरेक्टर्स होते हैं सो so, फाइलम बेटा किसी में सिगमेंटेशन देखने के लिए नहीं मिलेगी एक्सेप्ट एक्सेप्टीना विच इज अ कनेक्टिंग लिंक इज़ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन किसके बीच में होता है बेटा एनिडा एंड मोलेस्का ओके आई होप ये याद रहेगा धमाके नहीं करने अपने दिमाग में क्या बता दिया सब कुछ एनसीआर टी में इवोल्यूशन में पढ़ोगे कनेक्टिंग लिंक जो दो लोगों के कैरेक्टर्स करके रखे यो, मतलब अगर कोई एक ईवन कैरेक्टर है और एक ई टू कैरेक्टर है तो इसके पास तो जो कनेक्टिंग लिंक होते हैं ना उनके पास इवन कैरेक्टर्स भी होते हैं और ई टू कैरेक्टर्स भी होते हैं सो so, एनीडा में तब कैसे होंगे अनसेगमेंटेड मतलब सेगमेंटेशन नहीं होगी बट मियोप्लीना में सेगमेंटेशन मिलेंगी बिकॉज इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनलीडा एंड दी मोलेस्का नेक्स्ट बेटा नोटोकॉर्ड नहीं होगी बिकॉज इट इज दैरेक्टर फीचर ऑफ दी सिंपल क्या है इतना डिफिकल्ट सब तो आता है तुमको नेक्स्ट बेटा फिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजी में इनके पास देखो बेटा क्या होता है फिजियोलॉजी में बेटा इनकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इट इज कम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बेटा कैसा होगा कंप्लीट होगा और मैंने अभी तुम्हें एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कराया ना माउथ इज प्रोवाइडेड विथ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन माउथ में बेटा क्या होगा माउथ में फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होगा जो किसी चीज को ग्रास पिंग करने में हेल्प करेगा या उसको कट करने में ठीक है फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन डैट इज रेड्यूला प्लीज हाईलाइट दैट एंड प्लीज पुट अ स्टार मार्क ऑन दैट वेरी इंपॉर्टेंट अगर मैं बोल रही हूँ कोई चीज स्टार मार्क करो तो करो ठीक है बेटा रेस्पायरेशन के लिए रेस्पायर गिल्स बाई ग कहाँ होते हैं मेंटल कैविटी में होते हैं में मिलेंगे और लंग्स किस में मिलेंगे आपको टेरिस्ट्रियल में ओके okay? बेटा सर्कुलेशन कैसा होता है ओपन एंड क्लोज्ड अब किन किन बच्चों को याद है कि किस किसमें होगा और ओपन किस में होगा यस yes. याद है या उड़ चुका है दिमाग से तो बेटा देखो मोलिस्का में दो तरह के ऑर्गेनिज्म मिलते हैं एक मिलते हैं सिफेलो एक मिलेंगे बेटा सिफेलो और एक मिलेंगे बेटा आपको नॉन सेफेलो एक कैसे मिलेंगे बेटा आपको नॉन सेफेलो अब बेटा सिफेलो सिफेलो का मतलब होता है हेड, सिफेलो का मतलब क्या होता है बेटा हेड और पॉड का मतलब तो अब तक पता चल ही गया होगा ना पॉड मतलब अपेंडेजिस और य और क्या कह सकते हो आप शुद्ध हिंदी में पैर और या फिर इंग्लिश में लेग बेटा नॉन नॉन मतलब मतलब उनके हेड के साथ अटैच नहीं होंगे वो होते हैं जिनमें उनके हेड के साथ उनके लेग अटैच होता है याद आ रहा है दिमाग में कौन होगा मैं बता देती हूँ <laughs> देखो बेटा ये कौन कि, किसको बनाया मैंने ये कौन है तुम्हारा ये तुम्हारा ऑक्टोपस है कौन है बेटा हु इज इट ऑक्टोपस है तुम्हारा स्मलिंग ऑक्टोपस है ना करे होंगे मैं हम इधर उधर पैर जा रहे हैं तो जाते हैं यार ऐसे पैरों से पकड़ लेता है आ, मैं कर एक मूवी देख रही थी मरमेड तो मरमेड में वो ऑक्टोपस एक लेडी का रोल प्ले कर रही होती है और वो उसमें डेविल बनी हुई होती है तो उसका तो एक्चुअली ऑक्टोपस का कॉमन नेम भी डेविल फिश भी होता है वैसे भी एंड बेटा ऑक्टोपस में आपको लग रहा है ना ये क्या है इसका हेड है हेड किसके साथ अटैच है उसके लेग्स के साथ अटैच है आप लोगों ने वो कार्टून देखा है ऑजवर्ल्ड और वेनी वाला ऑजवर्ल्ड वो ब्लू कलर का ऑजवर्ल्ड होता है anyway, know, मेरे टाइम पे तो आता था ऑक्टोपस्ट so, बेटा, oh, बेटा ये ऑक्टोपस है आपका इसमें आपको लग रहा है ना उसके हेड किसके साथ अटैच है बेटा लेग्स के साथ अटैच है तो इट्स लुक्स लाइक उसके विद दी तो हम उसे क्या बोलेंगे बेटा में ले लो देखो मैंने बनाया भी है सुंदर सा ये क्या है इसके हेड के पैर के साथ अटैच है देखो नीचे है कितने अलग अलग हैं? है ना तो बेटा हर किसी में नहीं होता अब इसमें मैंने एक बताया था जो नॉन सिफेलो होता है दे हैव अ ओपन टाइप ऑफ अ सर्कुलेटरी सिस्टम जो नॉन सिफेलो होंगे बेटा दे हैव अ ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इनका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा बेटा ओपन टाइप और जो बेटा सिफेलो सुनते होते हैं सी फॉर सिफेलोपॉड एंड सी फॉर क्लोज सिंपल रट्टा भी नहीं मारना सी फॉर क्लोज दे होगा बेटा क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इनका एम आई क्लियर बेटा नेक्स्ट बेटा इनकी yes अब बेटा देखो एक्सक्रीशन में भी गिल्स होते हैं गिल्स मैंने बताया ना वही टिनिडिया बेटा वो भी एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा बेटा ऑर्गन ऑफ और बजानस कीबर्स ऑर्गन कीबर्स ऑर्गन पेरिकार्डियल ग्लैंड्स होता है इनके हार्ट के अराउंड प्रेजेंट होता है नर्वस सिस्टम बेटा बहुत ही सिंपल टाइप का एक है, मिलते हैं गेंगलियॉन्स क्या होते हैं यस क्लस्टर्स ऑफ दी सेल बॉडी हर चीज बताई हुई है बस जस्ट आप रिमेंबर करते चलिए सिंपल गैंगलियंस होंगे एंड नर्वस प्रेजेंट होंगे ओके सेंसरी स्ट्रक्चर्स में बेटा इनके पास टेंटिकल्स हैं टेंटिकल्स है ना टेंटिकल्स के ऊपर आई है एंड आई इज वॉट इट इज स्ट्रक्चर ना बेटा इनके पास होते हैं और इनके पास बेटा स्टैटोसिस्ट और आई होती है स्टैटोसिस्ट क्या होती है अब तक तो, तो मुंह पे रट जाना चाहिए स्टैटोसिस्ट इट इज अ बैलेंसिंग स्ट्रक्चर ना बेटा ऑस्फ्राइडियम क्या होता है ऑस्फ्राइडियम बेटा ये भी एक सेंसरी स्ट्रक्चर होती है जो केमिकल नेचर डिटेक्ट करती है किसका वाटर का तो so, बेटा इट दिस ऑस्प्राइडियम इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू डिटेक्ट द केमिकल नेचर ऑफ वाटर ओके ऑस्प्राइडियम रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? टू डिटेक्ट द केमिकल नेचर ऑफ वाटर ऑस्टेडियम तो क्या करेगी इट इज रिस्पॉन्सिबल टू डिटेक्ट दी केमिकल नेचर ऑफ वाटर। अब ये पानी में रहेंगे तो इनको भी पता चलना चाहिए ना कोई खतरा आ रहा है या नहीं तो ये खतरे को किससे महसूस करेंगे ऑसपेडियम से अब रिप्रोडक्शन देखो इनका यूनिसेक्शुअल भी हो सकते हैं एंड दे टू नेक्स्ट इनकी फर्टिलाइजेशन बेटा दोनों तरह की मिलेगी इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी दोनों तरह की फर्टिलाइजेशन देखने के लिए मिलेगी मिलेगी डेवलपमेंट डायरेक्ट एंड यूजअली इनडायरेक्ट दिस इज दी लाइन ऑफ योर एनसीईआरटी तो दिमाग में छपनी चाहिए कि ये यूजुअली कैसे होंगे इनडायरेक्ट अगर मैं बोल रही हूँ कि ये यूजुअली इनडायरेक्ट होंगे तो डेफिनेटली ये एक्स को क्या करेंगे ले करेंगे ना इनडायरेक्ट में तो लार्वा स्टेज होगी और लार्वा ऐसी तो नहीं टपक जाएगा उसको कुछ ना कुछ तो चाहिए ना तो एग वाली स्टेज चाहिए तो ये यूजुअली इनडायरेक्ट होते हैं एंड दे ले एग एग्स दे आर मोस्टली ओवी पैरस बेटा ये कैसे होंगे मोस्टली ओवी पैरस ओवी पैरस कौन होते हैं जो एग ले करते हैं दे आर मोस्टली ओवी पैरस ओके बेटा देखेंगे पाइला विच इज एप्पल स्नेल इज पर्ल ऑयस्टर हम लेते हैं ना बेटा पर्ल्स लेते हैं देखिए ना वो ब्यूटी ब्यूटीफुल से पर्ल्स दिखाते हैं वो आ, फेरी टेल्स में वो मैं भी बता रही थी ना कल मैंने मरमेड देखी तो उसमें वो ऑक्टोबर्स होते हैं उनके पास ऐसे नहीं, जो पर्स नहीं होते हैं, उनमें से ना इसे पर्ल्स को तो पता होगा लॉलीगो स्क्ट ऑक्टोपस डेविल फिश ऑक्टोपस क्या डेविल okay? है? है पकड़ो उसे इंक छोड़ देगा तुम्हारे मुंह पे है ना ऑक्टोपस इज योर डेविल फिश अपलाइशा विच इज योर सीहेर And the Dentalium elephant tusk. बेटा, एलिफेंट का टस्क देखा है आपने उसके जैसे लगता है एलिफेंट टे कॉमन नेम में क्या बोला एलिफेंट टेटा कीटो प्लूरा विच इज योर काइटॉन कीटोप्ल्यूरा क्या होता है बेटा काइटोन होता है तो एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स को बेटा साथ के साथ रिपीट करते चलो

इकाइनो का मतलब क्या होता है इकाइनो मीन्स स्पाइनी अब हर किसी आ, फाइलम का बेटा मीनिंग तो है मैंने हर फाइलम में आपको मीनिंग बताया हमने ऐसे ही नहीं मजे मजे में नाम रख दिया चलो यार ये अच्छा लग रहा है कूल लग रहा है तो रख दो नहीं एवरी थिंग अ लॉजिक अगर आपका भी कोई नेम है तो आपके नेम का भी मतलब होता है है ना तो अब बेटा इकाइनो डरमेटा इकाइनो का मतलब होता है स्पाइनी इकाइनो मीनस बेटा स्पाइनी डर बेटा स्किन दे हैव अ स्पाइनी स्किन इनकी जो स्किन होती है ना बेटा स्पाइनी सी होती है बहुत ही रफ रफ सी होती है इधर देखो ये क्या स्टार फिश है बेटा ये तुम्हारे क्या है ये स्पाइनी स्किन ऑर्गेनिज्म होते हैं इधर देखो सपोज ये इनकी स्किन है विच इज द एपिडर्मिस एंड ये इनकी दूसरी लेयर है स्किन की विच इज द डर्मिस ये क्या है बेटा डर्मिस है बेटा जो ये एपिडर्मिस होती है इस पे आपको स्पाइन देखने के लिए मिलता है ऐसे ऐसे स्पाइंस देखने के मिलते हैं दे आर लुक्स वेरी रफ और जो इनकी डर्मिस लेयर होती है ना उसमें आपको कैल्शियम के ऑसिकल्स देखने के लिए मिलते हैं क्या देखने के लिए मिलते हैं बेटा कैल्शियम के ऑसिकल्स देखने के लिए मिलते हैं ये क्या है बेटा ऑसिकल्स है विच इज मेड अप ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट तो बेटा दे हैव अ एंडोस्केलेटन क्या है इनके पास एंडोस्केलेटन अब स्किन के ऊपर थोड़ी है एंडोस्केलेटन का अंदर की साइड डर्मिस क्या है अंदर है ना ये क्या है तुम्हारी एपिडर्मिस फिर क्या आती है सब डरमिस और नीचे वाली लेयर क्या हो गई डर्मिस है ना तो बेटा इनके पास एक्केलेटिन भी है और एंडोस्केलेटिन भी है में इनके पास पाइनी स्पाइनी स्ट्रक्चर बेटा और इसकी वजह से इनका जो अपेरेंस होता है बहुत ही रफ सा होता है ठीक है ये मॉलिश जैसे नहीं है कि एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट स्मूथ से लगेंगे दे आर नॉट लाइक दैट ऐसे नहीं होते पाइनी स्किन होती है इनके पास एंडोस्केलेटिन होता है कैल्शियम की प्लेट्स होती है जिनको हम ऑसिकल्स बोलते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में बेटा ऑल आर विदाउट एनी एक्सेप्शन वी हैव बेटा टोटली थ्री फाइलम अगर आपको याद होगी तो हमारे पास टोटली totally तीन फाइलम है जो एक्सक्लूसिवली मराइन होती है कौन कौन सी तीन फाइलम है वो टीनोफोरा इकाइनोडरमेटा एंड दी हेमिकॉर्टेटा ओके okay? ये तीनों तुम्हारी टिप्स पे होनी चाहिए वी कौन कौन सी थ्री फाइलम्स है विच आर दी एक्सक्लूसिवली मराइन द फर्स्ट इज योर टीनोफोरा एंड द सेकेंड इज योर इकाइनोडर्मेटा एंड द थर्ड इज योर हेमिकॉर्डेटा ओके सो दे ऑल आर मराइन बेटा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दे हैव जर्म लेयर क्या है इनकी बेटा थ्री है ओके और सिलोम में भी कौन से हैं यू सिलोमेट बेटा ये यू सिलोमेट एंड नाव आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू अगेन यूसिलोमेट में भी कौन से वाले होंगे शाइजो और दी अब फ्लो फ्लो में भावनाओं में बह के शाइजो मत बोल देना अभी तक वही चल रहा है तो यही चिपका देते हैं नहीं दे आर दी एंटीरोसिलोम पहले मीजोडम के ऊपर सॉरी पहले एंडोडम के ऊपर मीजोडम के पाउचेस बनेंगे देन वो स्प्लिट करेगी और देन एक प्रॉपर कैविटी बनेगी ओके यू सिलोमेट में ही कौन से ई फॉर यू सिलोमेट ई फॉर एंटीरोसिलोम ओके ऐसे याद कर लेना एंटिरोसिलोम है ये बॉडी प्लान ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है इनके पास और ये कैसे होते हैं ड्यूट्रोस्टोम्स ब्लास्टोपोअर फॉर्म्स दी एनस फर्स्ट इनमें एनस की ओपनिंग पहले दिखती है तो जिन में एनस की ओपनिंग पहले दिखे एंड माउथ की ओपनिंग बाद में तो कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ड्यूट्रोस्टोम्स व्हाट दे आर दे आर दी ड्यूट्रोस्टोम्स ये आपके ड्यूट्रोस्टोम्स होंगे सिमिट्री बेटा बायलेट्रल और रेडियल होती है यस yes? किसके दिमाग में एग्जाम्पल्स चमकी ऐसे फटाफट से बायलेट्रल किस कौन होगा बेटा जब ये लार्वल स्टेज में होंगे तो उनकी सिमिट्री बायलेट्रल होगी वेन दे वर इन दियर लार्वल स्टेज जब ये अपनी लार्वल स्टेज में होंगे देन बेटा ये बायलेट्रल सिमिट्री से कट होंगे क्योंकि तो ये लार्वल स्टेज में एडवांस्ड होते हैं बट जैसे जैसे बड़े होते हैं अपने एडवांस्ड फीचर को लॉस कर देते हैं और रेडियल सिमेट्री ओके तुम में से बहुत से होंगे ना बोलते होंगे हम बचपन में बहुत इंटेलिजेंट थे पर बड़े होके पता नहीं बुद्धि नहीं चलती ऐसे लगा लो बचपन में एडवांस फीचर अब तुम कहीं लॉस कर गए हो कहीं ठीक है तो दोबारा उसे रिगेन कर लो भाई अगर कर चुके हो तो बायोलेट्रल में कौन सा है लार्वल स्टेज एंड दी रेडियल में कौन होगा तुम्हारा एडल्ट ओके सो बायोलेट्रल सिमेट्री लार्वा की होगी एंड रेडियल की किसकी होगी एडल्ट की होगी सेगमेंटेशन एबसेंट एंड नोटोकॉर्ड इज ठीक है देखो इसको एक बार आई <coughs> होप बेटा फीचर्स क्लियर होंगे कुछ याद नहीं करना बस इतना पता चल गया स्पाइनी स्किन क्यों है एंडोस्केलेटिन है एंड एक्सोस्केलेटिन भी है एंड हार्ड होता है कैल्शियम का बना होता है डेफिनेटली कैल्शियम आपको बेटा रबर लाइक -like तो नहीं मिलेगा हार्ड है अगर आपकी बोन्स में कैल्शियम नहीं होता तो इजी से फ्रैक्चर हो जाता यस ये सर नो मैं उनकी बात नहीं कर रही जिनका कैल्शियम लेवल लो है और उनको फ्रैक्चर इजी से हो रहा है ठीक है एंड ये ऑल सब मराइन होंगे और इनकी सिमेट्री में याद रखना है लार्वा है तो बाइलेट्रल और अगर एडल्ट है तो बेटा रेडियल ओके ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होने चाहिए बेटा फिजियोलॉजी में देयर डाइजेस्टिव सिस्टम इज कम्पलीट वाई कम्पलीट ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप ऑफ अ बॉडी प्लान दे है माउथ ऑन द लोअर साइड वेंट्रल एंड एनएस ऑन द अपर साइड डोर्सल इनका जो माउथ होता है बेटा वेंट्रल साइड होता है ठीक है और एनस बेटा साइड अपने से याद कर ये पीछे वाला डॉर्सल है ना तो मेरा माउथ का है? ही है ना ऐसा तो नहीं डॉर्सल लग रहा है ऐसा तो नहीं है बेटा क्या क्राइटेरिया होता है कि हम किसी ऑर्गेनिज्म को वेंट्रल और डोरसल बोलते हैं देखो इस क्राइटेरिया को सुनो जब बेटा ये जो मराइन में रहते हैं एंड दे आर दी बॉटम ड्वेलर एनिमल्स नाउ व्हाट आर दी बॉटम ड्वेलर एनिमल्स बॉटम ड्वेलर एनिमल्स बेटा वो होते हैं जो सी बेड के नीचे रहते हैं जो बेटा डाउन बॉटम दी सी मिलेंगे जो आपको सी के एकदम कहाँ मिलेंगे बेटा बॉटम पे मिलेंगे अगर आपने किसी ने आ, सी वॉकिंग या स्कूबा डाइविंग करा होगा तो आपको ये सब स्पीशीज देखने के लिए मिले भी होंगे बिकॉज ये डाउन द दा सी बॉटम द सी रहता है सो so, बेटा द साइड विच फेसिंग दी बेड जो साइड बेटा सी बेड को फेस कर रही है उसको हम वेंट्रल साइड बोलेंगे और जो साइड बेटा अपर स्काई को फेस कर रही है दैट साइड इज कंसीडर एज अ टॉर्सल साइड बेटा अभी हम कैसे हैं नाउ वी आर बाइपेडल हम दो पैरों पे चलते हैं ठीक है बट अर्लियर वी वर नॉट बाइपेडल वी वर यूज्ड टू वॉक लाइक अ डेक डॉग और अ कैट ठीक है बेटा जो हमारे एनसेस्टर्स थे वो कैसे वॉक करते थे बेटा तुमने देखा है ना दे वर यूज टू वॉक लाइक अ कैट और अ डॉग जैसे कैट और डॉग वॉक करते हैं ऐसे हमारे एनसेस्टर भी वॉक करते थे कैन वी वॉक लाइक दैट हम ऐसे वॉक करते हैं नहीं हम तो बाइपेडल्स हैं हम तो पैरों पे वॉक करते हैं तो हमने क्यों अपनी इस इस साइड साइड को को बेटा वेंट्रल माना इस को माना एंड तो जब वो अर्लियर बेटा वॉक और कैट की जैसे वॉक करते थे तो जो साइड उनका बेटा क्या फेस कर रहा है लैंड फेस करता है द साइड विच फेसिंग द लैंड उस साइड को हमने क्या माना बेटा वेंट्रल और जो साइड उनकी स्काई को फेस करती थी उसको माना टोरसल अगर सपोज वो ऐसे चल रहा है तो ये वाली साइड किसको फेस कर रही है स्काई को और ये वाली साइड किसको फेस कर रही है ये जमीन को देख रहे हैं ना नीचे तो डेट साइड इज वेंट्रल फिर जैसे जैसे इरेक्ट पोस्टर आया तो ये वेंट्रल और ये टॉर्सल सिंपल ना तो रेस्पायरेशन uh, बेटा ट्यूब होता है एंड वॉटर वेस्कुलर सिस्टम अब देखो बेटा मैंने बताया था ना वाटर वेस्कुलर सिस्टम में क्या होता है इनके पास लोकोमोशन की प्रॉपर्टी होगी इधर देखो क्वार्टर वेस्कुलर सिस्टम कैसा होता है सपोज बेटा ये मैं स्टारफिश बना रही हूँ कितनी आर्म्स होती है स्टारफिश की पांच होती है ना वन टू थ्री फोर फाइव ओके आई हैव अ डाउट ऑन माई मैसेज इसलिए तो देखो बेटा ये इसकी एक आर्म हो गई एंड ये इसकी दूसरी आर्म हो गई एंड दिस वन इज बेटा थर्ड अब देखो बेटा ये जो सेंटर में आपको दिख रहा है सेंटर में क्या है रिंग कैनाल है वॉट इज इन सेंटर बेटा सेंटर में रिंग कैनाल होती है और बेटा जो साइड से निकल रहे हैं ये जो साइड से हैं साइड से क्या होंगी आपकी लेटरल कैनाल होंगी या कौन सी कैनाल होंगी यस बेटा साइड से निकल रहे हैं ऑब्वियसली आपकी are, okay? लेटरल कैनाल होंगी वॉट दे आर बेटा लेटरल कैनाल ओके बेटा यहाँ लेटरल कैनाल से भी छोटी छोटी कैनाल निकलती हैं और इन छोटी छोटी कैनाल का नाम होता है रेडियल कैनाल के कौन सी कैनाल है बेटा रेडियल कैनाल दे आर एंड बेटा रेडियल कैनाल में एक स्ट्रक्चर होती है जिसका नाम मैंने अभी पढ़ा था विच इज ट्यूब फिट क्या होती है बेटा ये ट्यूब फिट होता है ये ट्यूब फिट ये स्ट्रक्चर होती है जिनमें वाटर करंट जनरेट होता है एंड देन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दोको मोशन ओके बेटा सपोज यहाँ यहाँ पर बेटा एक और चीज होती है विच इज दिपोराइड सपोज बेटा ये एक मेट्रीपोराइट है ओके वॉट इज इट बेटा इट इज मेट्रीपोराइट ये बेटा मेड्रियोपोराइट है medrioporite, बेटा इसमें छन्नी जैसी स्ट्रक्चर होती है इट इज लाइक स्ट्रक्चर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिल्टरिंग ऑफ वॉटर तो मेड्रीपोराइट क्या करेगी बेटा वॉटर को फिल्टर करेगी और बेटा ये कैनाल भी एस शेप कैनाल होती है कौन सी कैनाल होती है बेटा ये एस शेप्ड कैनाल होती है कौन सी कनाल है बेटा एस शेप्ड कैनाल है अब देखो ये ऑर्गेनिज्म है पानी बेटा कहाँ से आया मेट्रोपोराइट से अंदर आया ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कोई डायग्राम नहीं आएगा वाटर वेस्कुलर सिस्टम दिया हुआ है जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पानी यहाँ से अंदर आया बेटा इसके पास सीव लाइक -like स्ट्रक्चर है चाय छन्नी होती है ना जिसमें चाय को हम छानते हैं फिल्टर करते हैं पत्ती के साथ थोड़ी चाय पी जाते हैं नहीं ना तो यहाँ से बेटा वाटर फिल्टर हुआ एस शेप कैनाल में आया शेप्ड पे राइट से बेटा कहाँ गया एसशेप केनाल में से के बेटा इन पर्टिकुलर लेटरल कैनाल्स में गया है ना इनमें मूव करा वाटर तो so, बेटा रिंग कैनाल से कहा गया लेटरल कैनाल, में रेट्रल कैनाल से बेटा कहा गया ये रेडियल कैनाल्स में गया और रेडियल कैनाल से इधर कहाँ गया बेटा ट्यूब फीट में कहा गया यू फीट में जिसके बाद बेटा वाटर करंट जनरेट होगा और ये लोकोमोशन को शो करेगा ओके वाटर वेस्कुलर सिस्टम इट इज रिस्पांसिबल फॉर द डाइजेशन रेस्पिरेशन बेटा इसकी हेल्प से रेस्पिरेशन भी कर सकते हैं ये एंड एक्सक्रीशन भी करेंगे इसकी हेल्प से एंड दूसरा बेटा इसकी हेल्प से ये लोकोमोशन भी करेंगे अगर बेटा आपको याद होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दी वाटर वेस्कुलर सिस्टम एंड दी वाटर कैनाल सिस्टम वाटर कैनाल सिस्टम दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्रोडक्शन वाटर कैनाल सिस्टम रिप्रोडक्शन कराएगा बट लोकोमोशन नहीं कराएगा वाटर वेस्कुलर सिस्टम बेटा क्या कराएगा लोकोमोशन कराएगा बट ये रिप्रोडक्शन नहीं कराएगा क्योंकि इसके पास कोई फ्लैजिला ही नहीं है तो क्या कराएगा एंड ये तो घूमने फिरने वाले ना तो इन्हें तो पैरों की जरूरत है है ना नेक्स्ट बेटा सर्कुलेशन इज ओपन इफ यू रिमेंबर एन थे ई रिस्टैंड फॉर द इनो डरमेटा एक्सक्रीशन बेटा एबसेंट है बिकॉज वॉटर वेस्कुलर सिस्टम इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट नेक्स्ट बेटा इनकी और फिजियोलॉजी देखेंगे नर्वस सिस्टम कैसा है सिंपल आई है ब्रेनलेस क्रिएचर एक फन फैक्ट बताती हूँ अबाउट दी काइनो डरमेटा दे आर बेटा सिंपल इनके पास ना नर्वस सिस्टम है ना ब्रेन है मतलब नर्वस सिस्टम बहुत ही डिफ्यूज टाइप का होता है सो दे डोंट नीड अ पर्टिकुलरली ब्रेन दे आर ब्रेनलेस क्रिएचर दे आर हर्टलेस क्रिएचर ना दिमाग है ना दिल ऐसे ऑर्गेनिजम्स की तो मजे ही है ऐसे बहुत से लोग भी होते हैं जो ब्रेनलेस और हर्टलेस होते हैं ना दिमाग है ना अकल है ओके ये तो एक्सेप्शन है तो इसके बाद ये कैसे है सिंपल है ब्रेनलेस है एंड दे आर दी हर्टलेस क्रिएचर बेटा इसको देख लो आपको इस स्नैप जो भी लेना है ले लीजिए <coughs> एंड बेटा सेंसरी स्ट्रक्चर्स दे हैव स्टैटोसिस्ट बिकॉज बेटा ये ट्यू फेट है इनके पास लोकोमोशन शो करेंगे तो इन्हें बैलेंसिंग करने के लिए ऑब्वियसली कुछ चीज़ चाहिए तो दिस फॉर बैलेंसिंग दैलेंसिंग स्ट्रक्चर लोकोमोशन में बेटा वाटर वेस्कुलर सिस्टम दे हैव रिप्रोडक्शन बेटा यूनिसेक्सुअल एंड दे शो दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेक्सुअल होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट Means beta they have a larval stage. Okay. Examples beta estuariasis, which is your starfish. Estuariasis beta what? Your starfish echinus, which is your sea urchin, antidon, sea lily, beta, cucmeria, the sea cucumber, and the oprea, which is your brittle star. Okay. Estuariasis beta starfish echinus, which is your beta sea urchin, beta your antidon, it is your sea lily, cucmeria beta, which is the sea cucumber.

बेटा द लास्ट फाइलम इन दी नॉन कॉर्डेट्स दैट इज योर हेमी हैमिकॉर्डेटा हेमिकॉरडेटा का मतलब क्या होता है दे आर हाफ कॉर्डेट्स ओके तो जैसी हैमिकॉर डेटा हेमिकॉर्डेटा का मतलब होता है बेटा दे आर हाफ कॉर्डेट्स इनके पास आधी प्रॉपर्टी कॉर्डेट जैसी होती है आधी प्रॉपर्टी इनके पास नॉन कॉर्डेट जैसी होती है इसलिए इनको हेमिकॉर डेटा बोलती है अर्लियर बेटा जब अर्लियर दे वर प्लेस्ड इन टू दी फाइलम ऑफ कॉर्डेट्स हम बेटा बहुत पहले इनको फाइलम कॉर्डेट्स में प्लेस करते थे बट जैसे डिस्कवरी हुई एंड देन वी गॉट टू नो हमें पता चला कि इसको हम हम, हम, हम इसको कॉर्डेटा में प्लेस नहीं कर सकते हम इसे कॉर्डेटा में क्यों प्लेस करते थे बेटा क्योंकि इसके पास भी एक स्ट्रॉ एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होती थी क्या होती थी बेटा इनके पास भी एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होती थी जिसके बेसिस पे हमें लगता था दे आर दी कॉर्डेट ओके दे हैव अ स्ट्रक्चर्स लाइक दोटो नोटोकॉर्ड बट इनके पास एग्जैक्टली exactly नोटोकॉर्ड नहीं होता था इफ यू रिमेंबर बेटा व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ नोटोकॉर्ड नोटोकॉर्ड इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मेसोडम बट इनके पास बेटा एक स्ट्रक्चर होती है जो नोटोकॉर्ड जैसी दिखती है बट होती नोटोकॉर्ड नहीं कुछ लोग भी होते हैं ना लाइफ में जो जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं है ऐसी मान लो तो ये क्या है स्टोमोकॉर्ड क्या है बेटा इसके पास ये स्ट्रक्चर स्टोमोकॉर्ड है स्टोमोकॉर्ड क्या होती है बेटा सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है बट इसका ओरिजिन डिफरेंट है इसका ओरिजिन है एक्टोडम टोमोकॉर्ड बेटा एंड ओरिजिन से क्वेश्चन आता ही आता है स्टोमोकॉर्ड की ओरिजिन क्या है बेटा एक्टोडम स्टोमॉर्ड की ओरिजिन क्या है एक्टोडम बेटा ये एक्टोडम uh, से ओरिजिनेटेड है तो हम किस खुशी में इसको कोडेट्स में रख सकते हैं नहीं रख सकते ना बट अर्लियर बेटा जब डिस्कवरी नहीं हुई थी और इतना इसके ऊपर रिसर्च नहीं हुआ था तो हमने हमें पता लगा इसके पास भी सपोर्टिंग लाइक स्ट्रक्चर है क्योंकि जितने भी नॉन कॉर्डेट्स थे उनके पास ऐसी कोई सपोर्टिंग स्ट्रक्चर थी नहीं तो हम उन्हें सिंपली नॉन कॉर्डेट्स की कैटेगरी में प्लेस कर रहे थे बट हमने इस फाइलम हेमी कॉर्डेटा में बेटा जब सपोर्टिंग स्ट्रक्चर देखी अब उस टाइम इतना डिस्कवरी हुआ नहीं था तो वी वर प्लेस दिस फाइलम इन दी कॉर्डेट्स बट जैसे डिस्कवरी हुई एंड जैसे साइंटिस्ट को पता चला कि ये जो स्टोमो कॉर्ड है इसका तो ओरिजन कंप्लीटली डिफरेंट है ये तो एक्टोडम से ओरिजिनेटेड हुई है एंड जो नोटोकॉर्ड है उसका ओरिजिन तो मीजोडम है सो so इसलिए हमने इसके लिए एक सेपरेट फाइलम बनाया और उस फाइलम को हमने बोला हेमी कॉर्डेटा दे आर हाफ कॉर्डेट एंड दे आर हाफ नॉन कॉर्डेट्स तो बेटा इट इज ऑल्सो अ कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन द नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स मे बी कॉर्डेट्स यहां से इवॉल्व हुए है ना तो so, बेटा जनरल कैरेक्टरिस्टिक एंड वन मोर थिंग बेटा हेमी कॉर्डेटा के पास क्या होता है स्टोमोकॉर्ड होती है स्टोमोकॉर्ड का ओरिजिन कहां पर होता है बेटा एक्टोडम एंड देयर बॉडी इज ऑल्सो डिवाइडेड इन टू दी थ्री पार्ट इनकी बॉडी भी बेटा थ्री पार्ट में डिवाइडेड है प्रोबोसिस एंड दी बेटा कॉलर एंड दी ट्रंक बेटा प्रोबोसिस जो पर्टिकुलर एरिया है अगर ये आपको फॉन्ट क्लियर नहीं है जस्ट ओपन योर एनसीईआरटी वो तो सबके पास होगी निकाल लो भाई उसे निकाल लो पढ़ने के लिए

सिबल फॉर द रेस्पाइरेशन ट्रंक्स में क्या होते हैं बेटा गिल्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं रेस्पाइरेशन के लिए तो बॉडी कितने पार्ट में डिवाइडेड है थ्री प्रोबॉसिस कॉलर ट्रंक इनके पास भी नोटोकॉट जैसे कुछ स्ट्रक्चर होती है स्टोमोकॉट उसका ओरिजिन है एक्टोडम ओके दे ऑल आर मराइंग विदाउट एनी एक्सेप्शन बिकॉज वी हैव ओनली थ्री फाइलम विच इज एक्सक्लूसिवली मराइड टोफोरा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेलोमेट एंड एंटीरोम कौन होता है बेटा ये एंटीरोसिलोम बेटा बॉडी प्लांट ट्यूब विद इन ट्यूब एंड ट्यूब विद इन ट्यूब में भी कौन से होंगे बेटा ये ड्यूटर स्टोम्स कौन से होंगे बेटा ये ड्यूटर स्टोम्स बेटा सिमिट्री कैसी है बाइलेट्रल आई क्लियर बेटा ये येटा फाइलम्स के कुछ फीचर्स है एंड ये बहुत ही छोटा फीचर बहुत ही छोटा फाइलम है बट जस्ट बेटा आप में आपने इसमें क्या याद रखना है ओरिजिन याद रखना है बिकॉज ओरिजिन से सवाल आते हैं ओके okay? क्वेश्चन आते हैं बेटा अगर ये देखो तो ये कैसा लग रहा है वर्म जैसा लग रहा है ना तो हम इसे टंग वर्म भी बोलते हैं आपकी दो ही एग्जाम्पल है कॉमन नेम क्या है टंग वम्स ओके एंड इनका और दूसरा नाम क्या होता है हेमिकॉर्डेटा है, का बेटा एकॉन वर्म बिकॉज ये वर्म जैसे लगते हैं एक भी बोलते हैं बेटा एंड इन्हें हम लाइक वर्म भी बोलते हैं क्या बोलते हैं टंग लाइक वर्म ओके नेक्स्ट बेटा फिजियोलॉजी डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन दे हैव रेस्पिरेशन के लिए इनके पास गिल्स हैं जो इनकी ट्रंक में प्रेजेंट है सर्कुलेशन इज ओपन टाइप एंड थे बेटा या, याद आया एच फॉर हेमिकॉर्डेटा एक्सक्रीशन में इनके पास प्रोबोसिस ग्लैंड है जो बेटा प्रोबोसिस में प्रेजेंट है नर्वस सिस्टम देखो टू नर्व कॉर्ड What type of nerve cord they have, दो नर्व कॉर्ड है और नर्व कॉर्ड रीजन में नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट इन दी कॉलर रीजन नव कॉर्ड रीजन में देखो मैं क्यों बोल रही हूँ कि इन आधे कॉर्डेट जैसे आधी नॉन कॉर्डेट जैसे नॉन तो, कॉर्डेट था नव कॉड कहाजेंट था डोर्सल और वेंट्रल वेंट्रल साइड वेंट्र। वेंट्र। था ना अपना नर्व कॉर्ड का देखो इन महाशियों का देखो वन इज डॉल साइट एक है है और ना दोनों के कैरेक्टर लेके बैठा है देखो तो इसलिए हम इन्हें बोल देते हैं दे आर इन बिटवीन दी नॉन कॉर्डेट्स एंड दी कॉर्डेट्स बेटा रिप्रोडक्शन यूनिसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल टेक प्लेस आउटसाइड दी वॉटर वॉटर के बाहर होगी बेटा इंटरनल नहीं होगी क्वार्टर में गैमिट्स रिलीज करेंगे डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट सो दे आर ओवी ओवी देर बेटा। एग्जाम्पल्स इज योर दी ग्लॉसेज और कॉमन नेम क्या होगा बेटा टंग योर नॉन कॉर्डेट बेटा इट इज कम्प्लीटेड नाउ आपकी फिजल बेटा पॉरीफरा टू द फाइलम दिच इज दैट इज योर कॉर्डेटा ओनली एंड वन मोर थिंग बेटा जो मैं आपको बताना भूल गई फाइलम मोलस्का में तो एक बार उसे देख लो बेटा जो फाइलम मोलस्का के ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके ब्लड का कलर होता है ब्लू द कलर ऑफ ब्लड ऑफ द फाइलम दे हैव अ ब्लू कलर ब्लड बेटा इनके ब्लड का कलर कैसा होता है ब्लू यहां पर मैं लिख रही हूं बेटा ब्लड कलर इनके ब्लड का कलर कैसा होता है बेटा ब्लू इनके ब्लड का कलर ब्लू क्यों है बेटा बिकॉज दे अ पिगमेंट विच इज कॉपर एंड कॉपर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ ब्लू इनके ब्लड का कलर नीला होता है नीला क्यों होता है क्योंकि इनके पास कॉपर पिगमेंट होती है क्या होती है बेटा दे हैव कॉपर पिगमेंट ओके बेटा ऐसे ब्लड को जिनके कलर बेटा कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट है ना इनके ब्लड में तो उसको क्या बोलेंगे हीमोसाइनिन अपने ब्लड का कलर कैसा है रेड है है ना रेड कलर कौन देता है कौन सी पिगमेंट देती है आपको हीमोग्लोबिन आपका कलर इसलिए लाल है ना नीला तो नहीं निकल रहा किसी की बॉडी से क्योंकि में से तो किसी के पास मुझे नहीं लगता हीमोसाइनिन है बट इनके ब्लड का कलर कैसा है ब्लू है कॉपर पिगमेंट होती है और उसको क्या बोलते हैं बेटा हीमोसाइनिन ओके okay? हीमोसाइनिन टाइप ऑफ अ ब्लड दे हैव तो ये चीज मेरे को आपको बतानी थी तो बेटा लास्ट हम देखेंगे अपनी डिफरेंस बिटवीन एंड नॉन कोआर तो बिफोर स्टार्टिंग विद पहले बेटा स्टार्ट करने से पहले आपके नॉन कॉर्डेट एंड डिफरेंस एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जो आपके एनसीआरटी में भी दी हुई है कुछ ऐसी स्ट्रक्चर दी हुई है बेटा आपके एनसीआरटी में कॉर्डेट्स की तो so, बेटा ये कॉर्डेट की स्ट्रक्चर दिए इस साइड को क्या बोला हुआ है बेटा साइड उनके पास क्या होती है नोटोकॉर्ड होती है व्हाट इज इट बेटा नोटोकॉर्ड नोटोकॉर्ड होगा बेटा इनके पास एंड बेटा सुपीरियर डोर्सल उससे भी ऊपर डॉर्सल क्या होगा बेटा नर्व कॉर्ड होगी मैंने आपको इनिशियली बताया था ना जब मैं आपको नोटोकॉर्ड वाला फीचर बता रही थी ये क्या हुआ बेटा इनकी नर्व कॉर्ड हुई ओके व्हाट इट? इट नर्व कॉर्ड ओनली बेटा ये क्या है नर्व कॉर्ड है यहाँ पर बेटा वेंट्रल साइड पे आपको कुछ बहुत ही प्यारे पेयर्ड फेरेंशियल गिल्सलेट्स देखने के लिए मिलेंगे वॉट दे आर बेटा पेयर्ड फेरेंशियल गिल्स यहाँ पर बेटा कुछ पेयर में फेनेंशियल गिल्स देखने के लिए मिलेंगे जो कुछ में, में हैं। ये क्या है, बेटा? ये तो है आपको पता ही है और ये क्या होती है पोस्ट एनल टेल होती है तो बेटा ये आपके कॉर्डेट का बेसिक स्ट्रक्चर है डेवलपमेंट बेटा नोटोकॉर्ड होती है बट कुछ की नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाती है वर्टिपल कॉलम में ओके सम नोटोकॉर्ड बेटा इट इज रिप्लेस्ड इन टू दर्टिब्रल कॉलम ओके विच बेटा वर्टिब्रल कॉलम नोटोकॉर्ड बेटा किसमें डिफरेंशियटेड हो जाएगी डिफरेंशिएटेड कुछ की होगी सबकी नहीं होगी बार बार बोल रही हो अपनी नोटोकॉर्ड डिफरेंशिएटेड हुई है वर्टिब्रल कॉलम में जरूरी नहीं हर किसी की हो जाएगी नर्व कॉर्ड बेटा किसमें डिफरेंशिएटेड होता है क्या है तुम लोगों के पास ब्रेन है ना सबके पास तभी पढ़ रहे हो क्या होता है बेटा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड किसमें होता है बेटा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में एंड नर्व कॉर्ड का ऑरिजन क्या होता है वेरी इंपॉर्टेंट एक्टोडम ऑरिजन नहीं भूलना अपना नाम भूल जाओ चलेगा नर्व कॉर्ड का ऑरिजन एक्टोडम नोटोकॉर्ड का ऑरिजन बेटा मीजोडम अब देखो अगर याद नहीं रहता तो कैसे याद कर सकते हो बेटा नोटोकॉर्ड किस डिफ्रेंशिएटेड हो रही है वर्टिब्रल कॉलम में

अब कुछ डिफरेंस देखेंगे बेटा कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच में बेटा देखो कॉर्डेट्स हैं तो नोटोकॉर्ड क्या होगी प्रेजेंट होगी इफ इट इज इज कॉर्डेट बेटा प्रेजेंट कॉर्डेट्स में क्या होगा बेटा नोटो कॉर्ड इज एबसेंट अब नोटोकॉर्ड नहीं है तभी तो ये नॉन कॉर्डेट्स है ना बेटा इनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसा होता है अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम जॉर्सल होता है सिंगल होता है और होलो होता है स्पेस होता है ना

Slits, बेटा इनके पास नहीं होंगे इनका हर्ट कैसा होगा बेटा वेंट्रल कहाँ है आपका हर्ट वेंट्रल है ना किसी का दिल पीछे तो नहीं धड़क रहा नहीं ना वेंट्रल है अपना हर्ट ओके अब इनका हर्ट कहाँ है बेटा डॉर्सल रिमेंबर कॉकरोच कॉकरोच ऐसा होता है ना बेटा उसका डोर्सली क्या प्रेजेंट होता है हर्ट और उसके हर्ट में कितने चैम्बर्ड होते हैं थर्टीन चैम्बर्ड होते हैं उनका हर्ट कहाँ प्रेजेंट होता है पेरिकार्डियल कार्डियलिस में सो so, बेटा लगा लो अगर इनकी कोई चीज डॉर्सली प्रेजेंट है तो बाकी सब चीजें इनकी कैसी हो जाएगी ओके सो so, बेटा इनका क्या प्रेजेंट था नोटोकॉर्ड तो अब बेटा इनका वेंट्रल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है तो दूसरी चीजें कहाँ चली जाएंगी डॉर्सली ऐसे लगा लो हमारा नर्व कॉर्ड बेटा कहाँ प्रेजेंट है डॉर्सल तो अपना दिल आ गया गया ऐसे जस्ट याद करने के लिए ना तो हर्ट कहाँ है बेटा इनका डॉर्सल इफ प्रेजेंट नॉट ऑल दर्गेनिज्म क्योंकि इकाइनोडरमेटा नोडर हर्टलेस क्रिएचर बेटा नेक्स्ट पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है पोस्ट एनल टेल इज एबेंट इसमें और इसमें पोस्ट एनल टेल एब्सेंट होगी नेक्स्ट बेटा गट इज वेंट्रल टू नर्व कॉर्ड। अगर ये यहाँ पर गट मैंने तुम्हें बना के दिखाया ये रहा, गट है ना अब इसके बेटा कुछ भी होगा सब वेंट्रली तो आएगा ना वेरी सिंपल इट इज इसमें इतना दिमाग और लॉजिक लगाने वाली चीज ही नहीं है ओके okay? अब देखो गट कैसा होगा वेंट्रल है, तो इसका गट कैसा होगा होगा, जस्ट सिंपल कुछ नहीं याद करना सिर्फ ओरिजिन याद करना है डिफरेंस तो ऐसे टिप्स पे यू ही आ जाएंगे, Am I clear to all you? Next, बेटा, we have So, as I told you, कौन होते हैं जिनके जिनके पास पास होती है, those are your phylum जिनके पास होगी, वो सब के सब के बेटा आपके किस में आएंगे? Phylum में आएंगे? आएंगे, okay? ओके? So, तो वॉर्ड बेटा प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड अब ऐसे तो नोटोकॉर्ड बहुत सारे लोगों के पास हो सकती है तो अब उसको हमने कैसे डिवाइड किया बेटा तो नोटोकॉर्ड इज ऑफ योर टू टाइप हम फाइलम कॉर्डेट्स में बेटा दो टाइप देखते हैं पहला है हमारे पास प्रोटोकॉल पहला है हमारे पास प्रोटोकॉलोर डेटा प्रोटो को हम दूसरा बोलते हैं एक क्रेनिएटा वॉट वी कॉल्ड एक क्रेनिएटा एंड दूसरा ग्रुप है हमारा यू कॉर्डेटा दूसरा है हमारा यू कॉर्डेटा जिसको हम बोलते हैं क्रेनिएटा ओके okay? ये हमारे दो ग्रुप्स हो गए

जो आपके प्रिमिटिव कॉर्डेट्स होते हैं प्रीमिटिव कॉर्डेट्स कौन होते हैं बेटा जिनके पास क्रेनियम बॉक्स नहीं होता ए सॉरी आई अ बैड थ्रॉट टुडे ए क्रेनियटा मींस बेटा द एब्सेंस ऑफ क्रेनियम बॉक्स ए मींस बेटा एब्सेंस ऑफ क्रेनियम ए स्टैंड फॉर द एब्सेंस एंड क्रेनियटा मींस बेटा क्रेनियम बॉक्स अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा मैम क्रेनियम बॉक्स क्या होता है क्रेनियम बॉक्स बेटा इट इज अ बोनी स्ट्रक्चर जिसके अंदर आपका ब्रेन इनक्लोज होता है आई होप आप सबके पास दिमाग होगा तभी आप लोग यहाँ बैठे हुए इनक्लोज हो। तो होता है बंद होता है जिसको क्रेनियम बॉक्स बोलते हो तो आपका ब्रेन बेटा इनक्लोज है इनक्लोज मतलब बंद है एक क्रेनियम बॉक्स के अंदर तो वी ऑल आर क्रेनियटा विदाउट एनी एक्सेप्शन तो बेटा कुछ कॉर्डेट्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास क्रेनियम बॉक्स नहीं होता है तो उनको हमने किस कैटेगरी में डाला बेटा एक क्रेनियटा में ठीक है एंड नाउ बेटा यू कॉर्डेटा दे आर दी ट्रू कॉर्डेट्स वी कॉल अ ट्रू ट्रू कॉर्डेट्स कॉर्डेट्स हम इनको क्यों बोल रहे हैं बिकॉज दे हैव अ अम बॉक्स ओके तो क्रेनिटा मीन बेटा द प्रेजेंस ऑफ क्रेनियम बॉक्स इनके पास क्रेनियम बॉक्स होता है तभी ये यू कॉर्डेट है प्रोटो क्यों बोला बेटा पहले आए ना तो क्रेनियम बॉक्स नहीं है जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ बॉक्स आया तो दे पुट इट इनटू कैटेगरी ऑफ़ योर सिंपल पहली सब फाइलम होती है हमारी कॉर्डेटा पहली सब फाइलम है हमारी कॉर्डेटा एंड दूसरी सब फाइलम है हमारी कौन सी है दूसरी सब फाइलम बहुत से बच्चों की तो दिमाग में भी आ गया होगा घर पे बैठे बैठे बेटा हमारी होती है सिफेलो कॉल डेटा क्या है हमारे पास बेटा डेटा। अब फिर से वर्ड मीनिंग्स देखेंगे यूरो यूरो का मीन्स होता है बेटा टेल यूरो का मतलब क्या होता है टेल एंड कॉल डेटा मीन्स पता ही है जिनके पास नोटो नोटोकॉट होती है तो बेटा जब मैं आपको आगे डिफरेंस कराऊंगी ना तो मैंने वहां लिखा भी है यूरो और सिफेलो के बीच में डिफरेंस कि जो यूरो नोटोकॉर्ड सिर्फ टेल में प्रेजेंट होती है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन दी टेल ऑफ लार्वा बेटा क्यों मैंने टेल ऑफ लार्वा बोला जैसे जैसे बेटा ये मेटामोरफोसिस करते हैं तो जब ये अपनी एडल्ट स्टेज में आते हैं तो दे लॉस्ट देर नोटोकॉर्ड यस जैसे बेटा इकाइनोडर्मेटा था इकाइनोडर्मेटा की जो ऑर्गेनिज्म थी जब वो अपने लार्वर स्टेज में होते हैं तो दे कट इन टू दिमेट्री ऑफ बायोलेटरल वो बायोलेटरल सिमेट्री में कट होते हैं बट जैसे ही वो मूव करते हैं बेटा एडल्ट वाली स्टेज में तो वो कैसे कट होते हैं बेटा रेडियली कट होते हैं तो दे लॉस्ट देर एडवांस फीचर ना वो अपने एडवांस्ड फीचर लॉस कर रहे हैं तो जस्ट लाइक दैट बेटा ये भी अपने एडवांस फीचर को लॉस्ट कर देते हैं तो यहाँ पर आप लिखोगे मेरे साथ नोटोकॉड नोटोकॉड ही मिलेगा आपको और किसी में नहीं मिलना टेल ऑफ लार्वा ओनली नेक्स्ट बेटा सिफालो. सिफालो का मतलब होता है head. का मतलब क्या होता है बेटा हेड एंड नोटोकॉर्डेटा ऑब्वियसली बेटा नोटोकॉर्ड तो जो ये ऑर्गेनिज्म होते हैं इनकी जो नोटोकॉर्ड होती है they starts from the head and through the entire body their notochord is is present from the end uh, from the head and through the entire body इनकी नोटोकॉर्ड बेटा हेड से शुरू होती है एंड पूरी एंटायर बॉडी तक रहती है इनमें ऐसा नहीं है कि लार्वल स्टेज में है एडल्ट में नहीं होगी नो no. इनमें बेटा थ्रू आउट दी लाइफ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है ओके सो द नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन हेड नोटोकॉर्ड बेटा स्टार्ट फ्रॉम दी हेड स्टार्ट फ्रॉम दी हेड एंड प्रेजेंट थ्रू आउट दी लाइफ बेटा और कैसी रहेगी पूरी लाइफ टाइम रहेगी ऐसा नहीं है कि एक लाइफ स्टेज में है दूसरे में चला गया नो दे आर नॉट लाइक दी डेटा आई होप ये टर्म्स आपको क्लियर होंगी बेटा दोबारा मेरे साथ देखोगे प्रोटो और एक्रेनिएटा एक्रेनिएटा बेटा ऑफ बॉक्स उनका जो ब्रेन होता है वो कवर नहीं होता किसी भी हार्ड कवरिंग से विच इज और ये सबसे पहले आई थी इसलिए प्रोटोकॉर्डेटा बोल दिया एज सिंपल एज दैट सिंपल रखेंगे हम बिल्कुल एकदम बेटा ये दो सब फाइलम में डिवाइडेड है यूरो कॉर्डेटा और कॉर्डेटा यूरो कॉर्डेटा वो होते हैं बेटा जिनकी टेल सिर्फ लार्वा में जिन सॉरी टेल बोल रही हूँ जिनकी नोटोकॉर्ड सिर्फ टेल में प्रेजेंट होगी वो भी कब जब वो अपनी लार्वर स्टेज में होंगे ओके सिफेलोकॉर्डेटा बेटा इनकी जो नोटोकॉर्ड होती है वो हेड में प्रेजेंट होती है और एंटायर बॉडी तक होती है और इनमें ऐसा नहीं है कि अब प्रेजेंट है कल नहीं होगी नो no, इनकी जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है थ्रू आउट दी लाइफ होती है नाउ बेटा यू कॉर्डेटा की सब फाइलम है वर्टिब्रेट ओके वर्टिब्रेटा भी आप बोल सकते हो तो यूरोकॉर्डेटा यूरोम सफाइलम बेटा विच इज दर्टिब्रेट और यू कौन से दादी बेटा वर्टिब्रेटम ओके वर्टिब्रेट्स वर्टिब्रेट्स मींस बेटा द प्रेजेंस ऑफ वर्टीब्रल कॉलम इनके पास क्या होगा बेटा वर्टीब्रल कॉलम होगा ठीक है अपने पास क्या है वर्टीब्रल वर्टिब्रल कॉलम है ना

ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स ओके सोचो 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 बेटा देखो ऑल कॉर्डेट दे आर नॉट ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स विच इज ट्रू बेटा के अंदर ही तो वर्टिब्रेट्स आ रहा है सेकेंड स्टेटमेंट्स मैंने बोली ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट क्या सारे वर्टिब्रेट्स हो सकते हैं नहीं हो सकते कैसे हो सकते हैं क्योंकि कुछ कॉर्डेट तो आपके है, कुछ कॉर्डेट आपके यूरो है कुछ आपके कॉर्डेटा है तो कैसे सारे सारे वर्टिब्रेटा कॉर्डेट्स हो सकते हैं नो तो ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स बट नॉट ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स ओके बेटा सारे कॉर्डेट्स आपके वर्टिब्रेटा वर्टी आपके सारे वर्टिब्रेटा बेटा कॉर्डेट्स होंगे बट आपके सारे कॉर्डेट्स बेटा वो वर्टिब्रेट नहीं होंगे बात समझ में आई मैं क्या बोलना चाह रही हूँ और वर्टिब्रेट्स बेटा आपके सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेटा होंगे नहीं क्योंकि कुछ कॉर्डेट्स तो बेटा आपके सिफेलो कॉर्डेटा है कुछ कॉर्डेटा है कुछ कॉर्डेटा है कुछ यू कॉर्डेटा है दूसरी लाइन है बेटा कैन योर ऑल वर्टिब्रेट्स आर वर्टिट्स ये इट इज ट्रू बेटा सारे वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट कॉर्डेट ही तो होंगे क्या होता है द प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रेट नोटोकॉर्ड वो तो डिपेंड करता है कि किसकी नोटोकॉर्ड किस में रिप्लेस हो गई है एम आई क्लियर तो जब भी भी ऐसे स्टेटमेंट्स आए ऑल कॉर्डेट आर वर्टिब्रेट्स तो बेटा आपकी ये स्टेटमेंट कैसी होगी या बेटा ट्रू होगी ट्रू होगी ये बेवकूफी नहीं करनी ऑल कॉर्डेट्स बेटा दे आर नॉट वर्टिब्रेट्स

तो अगर वो आपको बोलते हैं ऑल वर्टिब्रेट्स तो बेटा आपको क्या करना है आपको आपको सही करके आना है और अगर वो आपको पूछते हैं ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स तो आपको ये सही नहीं करना है ठीक है कंफ्यूज नहीं होना बेटा सारे कॉर्डेट्स बेटा वर्टिब्रेट नहीं हो सकते क्योंकि कुछ कॉर्डेट आपके प्रोटो कॉर्डेट है यू कॉर्डेट है सिफेलो कॉर्डेट्स है और बेटा आपके यूरो कॉर्डेट है बट आपके सारे वर्टिब्रेटा बेटा ये कॉर्डेट होंगे क्योंकि ये सब इसकी कैटेगरी में आ रहे हैं ओके नेक्स्ट बेटा त फाइलम वर्टिब्रेटा त फाइलम वर्टिब्रेटा बेटा इसके भी दो डिवीज़न होती है दे हैव टू डिवीज़न, बेटा द फर्स्ट डिवीजन अगनेथोस्टोमेटा। स्टोमेटा द फर्स्ट डिवीजन बेटा अगनेथा द फर्स्ट डिवीजन बेटा वी हैव एगनेथा।

आपका माउथ कैसा है बेटा जॉ में आपका माउथ बाउंडेड है ना सपोज आपका बेटा माउथ जॉ से बाउंड नहीं होता कैसा माउथ होता आपका माउथ होता वो पाउट लाइक माउथ होता सोचो सोच के कि कितना वियर्ड लग रहा है तो बेटा अगेनाथा मीन्स एब्सेंस ऑफ जॉ एब्सेंस ऑफ जॉ दे आर जॉलेस वर्टिवरेट वर्ट दे आर बेटा दे आर जॉलेस वर्टिवरेट ये बेटा आपके कौन है हमारी जैसी है माउथ इज बाउंडेड विद jaw. दे आर jawed vertebrates. जिनके पास जॉ होता है बेटा सो so, Gnathostomata दे आर jawed vertebrates. ओके वॉट दे आर बेटा दे आर जॉड वर्टी ब्रेड दे आर माउथ इज बाउंडेड विदेड विद दौ नेक्स्ट बेटा हमने फिर इन्हें आगे सीधा अगनेथा को एक ही क्लास में डिवाइड कर दिया क्योंकि इसमें एक ही क्लास आती है तो एक गैव अ क्लास बेटा एंड दिस क्लास नेम इज साइक्लोस्टोम्स अगनेथा हैव अ क्लास बेटा विच नेम है बेटा, का मतलब क्या होता है फिर से वर्ड मीनिंग देखेंगे सर्कुलर एंड स्टोम प्यारे बच्चों बताओ स्टोम का मतलब क्या बताया था माउथ दे अ सर्कुलर माउथ नेक्स्ट बेटा स्टोमेटा में दो सुपर क्लास होती हैं कंफ्यूज नहीं होना एक गनेथा में बेटा एक ही क्लास है विच इज योर साइक्लोस्टोम्स बट गनाथस हैव टू सुपर क्लास दे हैव टू सुपर क्लास द वन सुपर क्लास इज योर पाइसेस पाइसेस में कौन आता है योर ट्रू फिशेस एंड अनदर सुपर क्लास इज योर टेट्रापोडा अनदर सुपर क्लास इज योर टेट्रापोडा बेटा ओके okay? नो बेटा आपकी सुपर क्लास पाइसेस आपकी ट्रू फिशेस में कौन आती हैं कॉंड्री

कॉर्डेटा देखा कॉर्डेटा को दो पार्ट्स में डिवाइडेड करा प्रोटोकॉल और यू कॉर्डेटा प्रोटोकॉर्डेटा वो होते हैं जिनके पास क्रेनियम बॉक्स नहीं होता दैट्स दे नोन दी यू कॉर्डेटा बेटा दे आर दी द्रेनियटा जिनका ब्रेन इंक्लोज होता है क्रेनियम बॉक्स में ओके okay? नेक्स्ट बेटा दीज ए द वन इज योर यूरोटा एंड अनदर इज योर सिफेलोकॉर्डेटा यूरोटा मीन्स बेटा इनकी नोटोकॉर्ड टेल में प्रेजेंट होगी टेल में किसके प्रेजेंट होगी लार्वा के बिकॉज जैसे ही मेटामोरफोसिस होगा लार्वा अपने एडवांस फीचर भूल जाएगा और एडल्ट के पास नोटोकॉर्ड नहीं होगा नेक्स्ट बेटा कम टू वॉर बेटा द डेटा इनकी नोटोकॉर्ड हेड से लेके एंटायर बॉडी में होती है और थ्रू आउट लाइफ रहती है एम आई क्लियर नेक्स्ट बेटा हम बात करेंगे यू कॉर्डेटा की यू कॉर्डेटा में क्या होता है यू कॉर्डेटा योर

आपके पास ये जॉ है ना लड़की अपनी जॉ लाइन चमकाते भी है ना जॉ लाइन अपनी एनहांस कराते हैं और एज अ ब्यूटी सिम्बलाइज भी होता है है ना तो इनके पास जॉ नहीं है क्या चमकेंगे कुछ भी नहीं इनके पास सक्टोरियल माउथ होता है इससे याद रखोगे कि इसमें क्लास होती है जिसका नाम होता है साइक्लोस्टोम्स नेक्स्ट बेटा गनेथस टोमेटा दे आर जॉड वर्टिब्रेट जस्ट लाइक अपना देखो जॉ है ना तभी तो लड़की जॉ लाइन चमकाती है And next, beta, their mouth is bounded with the jaw, and ye divided. with the superclasses super class mein. the one super class is your Pisces and another super class is your Tetrapoda. Super class Pisces means all true fishes are come. Sari सच्ची मछली which is your Chondritus and the Ichthyothes. And next, beta, super class Tetrapoda have beta four classes: the class Amphibians, the class Reptiles, the class is. एंड द्लास मैम ओके बेटा ये आपको इसी तरह अपनी तर, अपनी जुबान पे होना चाहिए देखो इसे ओके okay? नेक्स्ट <coughs> बेटा यूरोटा एंड सिफेलो कॉरडेटा इसके डिफरेंस देखेंगे जल्दी जल्दी हम इसके डिफरेंस देखेंगे यूरो मीन्स बेटा मैंने अभी बोला टेल एंड जिनके पास कॉर्ड तो बेटा नेक्स्ट बेटा नोटो कॉर्ड प्रेजेंट थ्रू आउट दी लाइफ सेकेंड पॉइंट बेटा बॉडी इज कवर्ड विद इनकी जो बॉडी होती है ना बेटा वो एक बहुत ही सॉफ्ट सेल्यूलोर्स की शीट से कवरिंग होती है जिसे हम ट्यूनि भी बोलते हैं इन यूरो होता है बेटा इनकी बॉडी ना एक बहुत ही सॉफ्ट लेयर सेलुलोज से कवर होती है इसलिए इनका बहुत स्मूथ स्पिय अपियरेंस जैसा भी लगता है एंड बेटा इन इस तो ये कवरिंग होती है इसे ट्यूनिसिन भी बोलते हैं इसकी वजह से यूरोडेटा का दूसरा नाम होता है ट्यूनी कैटा ओके मैंने स्टार्टिंग में सुनाया था ना ट्यूनी कैटा जब मैं आपको एंथे पढ़ा रही थी याद आया तो बॉडी इज कवर्ड विद अ को जिसको हम बोलेंगे बेटा किसकी बनी हुई होती है बेटा 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 की, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसमें देखेंगे, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती इसलिए थोड़ी रफ से लगता है क्योंकि जो सेल्युलस है वो उसे एक स्मूथ अपीयरेंस दे रहा है बट दे गाइस डोंट तो थोड़े रफ से दिखता है ठीक है नेक्स्ट द जनरल बॉडी सरफेस जनरल बॉडी सरफेस मींस बेटा इनमें सिंपल डिफ्यूजन होगा डिफ्यूजन के थ्रू ये रेस्पायर करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम बेटा इनका ओपन होता है थे याद करो एंड टी एच टी ट्यूनिकेटा और ट्यूनिकेटा कौन सा है बेटा ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम दे हैव इनके पास कैसा सिस्टम होता है बेटा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ठीक है एक्सक्रीशन बाय न्यूरल ग्लाइंड किससे एक्सक्रीशन करेंगे न्यूरल ग्लैंड से दे हैव सोलिनोसाइट्स बेटा आपके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन में ये दिया हुआ है तो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करा रही जो एक्स्ट्रा होगा तो बोल दूंगी कि हाँ ये एक्स्ट्रा है ठीक है तो बेटा हर चैप्टर लिंक्ड है तो आपको मैं इसलिए बराबर से कराती हुई चल रही हूँ कि जब दूसरा चैप्टर खोलो तो तुम्हें ये होना चाहिए अरे यार ये तो पढ़ के आया बताया था मैम ने है ना ऐसे रहना चाहिए बेटा सेक्सेस आर नॉट सेपरेट दे आर हर्माफ्रोडाइट दे आर बेटा मोनोशियस ओके बेटा सेक्सेस आर सेपरेट दे आर डायोशियस यूनिसेक्सुअल दे आर दे आर बाई बेटा डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट ओके इसकी भी डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है दोनों का कॉमन पॉइंट्स है तो याद रखना दोनों में ही डेवलपमेंट बेटा इनडायरेक्ट टाइप की होती है Next बेटा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में बेटा इसमें जो एग्जाम्पल है सिफेलो में कई बार पूछा भी गया है तो प्लीज पुटास्टामा ऑन दैट बेटा एग्जाम्पल इज योर ब्रैंक्यो बेटा ब्रैंक्योस्टोमा के दूसरे नाम होते हैं एक होता है बेटा लेंसलेट और एक होता है ओके बेटा के दूसरे नाम होते हैं वो आपको पूछ लेंगे लेंसलेट इज द एग्जाम्पल ऑफ तो आपके दिमाग में होना चाहिए ओके लेंसलेट का दूसरा नाम भी क्या होता है एम्फ्योक्सिस बेटा एक ही बंदा है उसके दो नाम है जैसे मैं हूं मेरा नाम क्या है शिवानी मेरा निकनेम घर का कुछ और है मेरे फ्रेंड्स मुझे कुछ और बोलते हैं ठीक है तो निकनेम होते हैं ना जस्ट लाइक दैट ओके तो ब्रांक्यूस्टोमा बेटा लेंसलेट और दी एम्फक्सिस तीनों नाम याद रखने हैं बेटा आपको और ये नहीं सोचना हमें ज्यादा बुद्धि लगा की ब्रांक्यूस्टोमा लेंसलेट और एम्फियॉक्सिस अलग अलग है नो no, एक ही नेम के एक ही नेम है दो अलग अलग नाम भी है ठीक है जैसे मैंने निक नेम बताया तो बेटा यूरो कॉर्डेटा सिफेलोकॉल कॉर्डेटा याद रहेगा बेटा यूरो कॉर्डेटा मीन्स प्रोटोकॉल टेल में प्रेजेंट होती है लार्वा की और सिर्फ बेटा लार्वा में ही होगी एडल्ट में नहीं इसमें बेटा हेड से स्टार्ट होती है नोटोकॉल और थ्रू आउट दी लाइफ रहती है यूरोकॉल डेटा में इनकी बॉडी कवर्ड होती है सेलूलोस की शीत की जिसको हम ट्यूनिसिन भी बोलते हैं इसलिए हमने इनका नेमिंग क्या करी थी ट्यूनिकेटा सिफेलोकॉल डेटा में ऐसी कोई भी मेमोरी नहीं दिखती इसलिए हम इन्हें बेटा क्या बोलते हैं थोड़ा रफ एक्सपीरियंस होता है जो यूरोकॉल डेटा होता है बेटा बाय दी बाई गिल गिल्स एंड दिफेलोकॉल डेटा दे रेस्पायर बाय दी सिंपल डिफ्यूजन और दे कैन यूज दी जनरल बॉडी सरफेस बेटा जो यूरोडेटा होते हैं वो न्यूरल ग्लैंड से एक्सप्रेशन करते हैं एंड आपकी सिफेलो कॉर्डेटा दे सब आपको याद रखना है जैसे मैं बता रही हूँ आपको ठीक है यूरोटा में बेटा ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ए एंड टी एच ई टी स्टैंड याद है ना टी स्टैंड फॉर दी ओपन सिफेलो कॉर्डेटा में बेटा क्या होता है आपका क्लोज टाइप ऑफ अ सर्कुलेटरी सिस्टम दे हैव मेरे बच्चों ठीक है बेटा एग्जाम्पल याद करने है इसके एग्जाम्पल क्या है आपके एसकेडिया सालपार डोलियोलम हडमेनिया हडमेनिया हर्ट बेटा इस एक्स्ट्रा आप अपने रिस्क पे याद करें पर आप याद करें ठीक है मैं चाहती हूँ हेडमेनिया इट इज एक्स्ट्रा बेटा इट इज नॉट गिवन इन योर एनसीआर तो अगर आप याद करते हैं इट इज ऑल्सो गुड अगर नहीं याद करते तो भी काम चलता है बट ब्रैंक्योस्टोमा बाय हर्ट याद करना है इसको नहीं भूलना है ब्रेंक्योस्टोमा का दूसरा नाम बेटा लेंसलेट भी होता है और एम्फियोक्सिस भी होता है ठीक है That's it for the the today. In next next class, class, we We will start with our our which is your Okay? We cover our Euro data and कुछ फंक्शन देखेंगे बेटा हम किसमें किस तरह की डेवलपमेंट होती है किसमें कौन सा माइग्रेशन शो करता है ऑल दीज थिंग्स वी विल कवर इन अवर नेक्स्ट क्लास आई होप कि नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर भी हमारा फिनिश हो जाएगा ओके okay? खुश हो जाओ तुम, तो. इज पहले हम टिश्यू पढ़ेंगे उसमें, then बेटा उसमें बेटा हम फ्रॉग फ्रॉग भी पढ़ेंगे क्योंकि फ्रॉग अब की बार जब सिलेबस इराडिकेटेड हुआ है तो फ्रॉग इज गिवन इन एंड देन बेटा हम कॉकरोच कवर करेंगे ओके? सो ओके लेट स्टार्ट विद क्वेश्चन आंसर ओके तो लेट क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बहुत पढ़ा दिया अब लेट कुछ प्रैक्टिस करेंगे जिससे पता चलना चाहिए ना या प्लस संभव है ओके इट्स फॉर श्योर आ जाएंगे अगर आप लोग हार्डवर्क करेंगे ओके सो तो ये कुछ दो तीन पी वाई क्यूज हैं एंड कुछ जो मैंने टॉपिक्स आपको पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश uh, है एंड इफ नाउ ये क्वेश्चन क्यों डाले हैं मैंने इसका इसमें वॉट्स द पर्पज बिहाइंड दैट द पर्पज इज दैट बेटा तो यू विल गेट टू नो वॉट टाइप ऑफ अ क्वेश्चन विल कम इन यूर एग्जामिनेशन आप लोगों को फेमिलियर होना ही चाहिए एज सच क्वेश्चन का ओके okay, ऐसा नहीं कि एग्जाम में क्वेश्चन आया और आपके दिमाग में ब्लास्ट हो गया बॉम हो गया वो माई गॉड ये क्या हो गया ऐसा नहीं होना चाहिए यू शूड बी फेमिलियर अबाउट दैट क्वेश्चन यू विल नो दाउ टाइप हाउ लाइक सच टाइप ऑफ अ क्वेश्चन एग्जामिनेशन एंड यू विल गेट टू अवेयर ऑफ दैट क्वेश्चन एनसीआर बेस्ड है अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखो विच वॉज आस्ड इन दीक टू थाउजेंड सिक्सटीन वॉज द क्वेश्चन इज दैट बेटा विच ऑफ दिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द फाइलम आर्थ्रोपोडा दे बेटा कि फाइलम आर्थ्रोपोडा में कौन सा फीचर नहीं होता है yes, my intelligent students, बेटा it is the feature of your आर्थ्रोपोर्डा। आर्थ्रोपोर्डा का फीचर ही ये है कि उनका एग्जोस्ट कैलिटिन काइटेनियस का होता है इसलिए तो इतने ह्यूज नंबर में है मेटामेरिक सेगमेंटेशन या ये भी उनका फीचर है देअ बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली Divided into the segments and you see a re serial repetition of at least some organs. Okay. Parapodia. No. Parapodia is the characteristic feature of the Neris, Yes or no? Niris kata which comes under the phylum of your anelida and the jointed appendages. It is the feature of your arthropoda because arthro means jointed and poda means beta appendages. So, answer will be your C. The parapodia. कौन शो करते हैं जिनकी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोले तो जो लार्वल स्टेज को क्रॉस करते हैं याद है दिमाग में याद होगा इतनी बार इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट करा रही हूँ ठीक है अर्थवॉर्म अर्थवॉर्म क्या बताया था मैंने निरीस का जब बताया था तो बोला था कि निरीस का जो लार्वा होता है वो टोकोफोरा होता है यस yes, याद है निरीस के लार्वा का नाम होता है टोकोफोरा और उसकी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है अर्थवॉर्म की मैंने कहीं भी बोला कि वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट करता है नो no, वो तो कुकून ले करता है कुकून में से वो प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से वर्म्स निकलते हैं तो अर्थवॉर्म हैव अट डायरेक्ट डेवलपमेंट फिर भी तुम्हारी श्योरिटी के लिए बाद में भी पढ़ लेते हैं बट वो इनडायरेक्ट पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है तो अर्थवॉर्म तो तुम्हारे सामने ये जीता जाता है एग्जाम्पल है देन बेटा ट्यूनिकेट विच इज़ यर यूरोटा उनकी लार्वल स्टेजेस होती है है ना मौत बेटा मौत आपका इंसेक्ट होता है याद आया मौत इवोल्यूशन में उस टाइम पर ये बेटन कार्बन एरिया और बिस्टलेरिया बहुत ज़्यादा थे और इन्होंने क्या कराया था याद तो होगा ही इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रायल मेडल आइजम याद है कुछ ऐसा स्टारफिश स्टारफिश में भी इनडायरेक्ट क्या होती है बेटा डेवलपमेंट होती है ओके बेटा ये वॉल्यूशन वाला पढ़ेंगे हम कि जिसमें हम देखेंगे कि इंडस्ट्रलाई इंडस्ट्रलाइजेशन की वजह से किस तरह से नेचुरल सिलेक्शन हुआ था किस टाइम पे कौन सी मौत आपकी डोमिनेंट थी एंड उस टाइम पे कौन सी रिसेसिव थी किसने हेल्प करा था नेचुरल सिलेक्शन के लिए ओके तो इंडस्ट्रलाइजेशन वाला भी देखेंगे टो तो नॉट वरी अबाउट दैट फॉर जस्ट कनेक्शन बनाया मैंने कि हर एक चैप्टर एक दूसरे से कनेक्ट है ना इसलिए तो आंसर इज योर बेटा अर्थ वॉर्म ओके

सेल्स ये सर नो बेटा मीजियन सेल तो होगा ही नहीं ऑस्टिया तो बेटा इनलेट पोर होता है जहां से पानी अंदर आता है तो आंसर क्या हुआ बेटा आपका क्वानो साइड नो बेटा ये आपको एक साइड क्या देंगे इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, जिसमें एक टाइम आपकी फाइलम होंगी और दूसरी साइड बेटा फाइलम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज लिखी हुई होंगी ओके okay, आपको पता होना चाहिए बेटा कि अगर कोई फाइलम है तो किस फाइलम की किस तरह की प्रॉपर्टीज होती है <coughs> बेटा फर्स्ट इज योर पॉरीफेरा पॉरीफेरा कैनाल सिस्टम वाटर वेस्कुलर सिस्टम मस्कुलर फेरिंग्स और दी जॉइंटेड अपजेस और दी बेटा कैनाल सिस्टम पॉरीफेरा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर था ना जिसकी वजह से वो डाइजेशन कर रहा था रिप्रोडक्शन शो कर रहा था रेस्पिरेशन कर रहा था एंड एक्सक्रीशन कर रहा था तो द हैव बेटा

वो आपकी टिप्स पे याद होना चाहिए इन्होंने बेटा स्किल में कुछ नहीं दिया फ्लेम सेल्स नथिंग उन्होंने क्या दिया मस्कुलर फैरिंग्स। बिकॉज़ इट इज़ मस्कुलर फैरिंग्स नाउ कम टू दी बेटा, Now, बेटा Anilates. Anilates में आपको क्या लगता है the water system, or are those phylum, बेटा, जिनके पास मेटामेटेशन होती है ऐसे बेटा मेटामेरिक सेगमेंटेशन होते हैं ना बॉडी डिवाइड्स होते हैं सेगमेंट्स में एंड आप एक ईच सेगमेंट्स को आप क्या बोलेंगे आप बोलेंगे बेटा मेटामियर्स व्हाट यू कॉल्ड बेटा मेटामियर्स ओके सो एनालिट्स ऑफ दी मेटामियर्स आर्थ्रोपोडा आर्थ्रोपोडा आर्थ्रो जॉइंटेड अपेंडेजेस कहाँ है ये रहा इकाइनोडर्मेटा इकाइनोडर्मेटा है वॉटर वेस्कुलर सिस्टम विच हेल्प इन दी लोकोमोशन जो किसके पास नहीं होता आपके जो आपके पॉरिफेरेंस के पास नहीं होता। बेटा वॉटर वार वेस्कुलर सिस्टम देखो है ना इजी देखो नेक्स्ट बेटा सी अर्चन बिलोंग्स टू फाइलम अब यहाँ पर आपके एग्जाम्पल्स बड़े काम आते हैं अगर जिस बच्चे को एग्जाम्पल्स बड़े प्यार से याद होंगे तो उसने अभी तक मन ही मन में आंसर दे भी दिया होगा किसी अर्चिन मैम इट इज द एग्जाम्पल ऑफ अवर फाइलम इकाइनो ओके किसका एग्जाम्पल इकाइनो डरमेटा का ठीक है द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इकाइनो डरम क्या होता है सबसे ज्यादा इनके पास गेस्ट्रोफेस्कुलर कैविटी होती है ना इनके पास क्वानोसाइट सेल्स होते हैं वो तो पॉरीफेरा के पास होते हैं जो हेल्प करते हैं किसके लिए

तो बेटा दे हैव अ वाटर वेस्कुलर सिस्टम और यू आल्सो कॉल्ड दैट द अम्बिलिक कैरियल सिस्टम ओके नोबडी कैन आस्क यू अबाउट दैट पर्टिकुलर नेम ओके दैट्स व्हाई दे हैव अ स्लैश ये भी दूसरा नाम होता है तो अगर आपको एक चीज भी पता है तो आप छठ से लगा दोगे है ना नेक्स्ट बेटा सेलेक्ट दी इनकरेक्ट मैचिंग आपको अब एग्जांपल के साथ उनकी कॉमन नेम भी पता होनी चाहिए तो मैं लिखवा रही हूँ कॉमन नेम मुझे सपने थोड़ी आ रहे हैं या मुझे मजा थोड़ी आ रहा है कि मैं तुम लोगों के साथ नॉलेज डालू देखो देखो मजा आता है नहीं बेटा क्वेश्चन में आती है ऐसे एग्जामिनर पूछता है कि एक जगह उसने साइंटिफिक नेम दे दिए दूसरी जगह उसने बेटा कॉमन नेम दे दिए फिर वो पूछेगा कि बताओ विच वन इज दी इनकरेक्ट तो आपको बताना पड़ेगा ठीक है अब वो किसको याद होगा जिसने फिर से एग्जाम्पल्स पढ़े बेटा जॉर्जोनिया जॉनिया टीफान विच इज ऑल्सो करेक्ट बेटा एडमिशिया सी एनिमोन बेटा अप्लीशिया सी कुकुम्बर ये थोड़ी होता है ये तो सी हेयर होता है बेटा ये तो सी हेयर होता है इन करेक्ट मैचिंग तो मुझे यही दिख गई बेटा एंटीडॉन सी लिली विच इज करेक्ट ओनली तो क्या हो गया आंसर आपका अप्लीशिया अप्लीशिया इज योर सी हेयर ये कहा से सी कुकुम्बर हो गया भाई हा चलो रेस्पाइरेशन अकर्स थ्रू ऑर्गन्स लाइक गिल्स किसके पास थे वो गिल्स बुक गिल्स बुक लंग्स और ट्रैकअल सिस्टम फाउंड इन दी फाइलम

ऐसे well भी क्वेश्चन देंगे जिनमें आपको स्टेटमेंट्स देंगे एंड यू हैव टू टेल द कितनी स्टेटमेंट्स इसमें आपकी बेटा करेक्ट है ओके द फर्स्ट बेटा दे आर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स विच हेल्प इन लोकोमोशन ओके हेल्प कर रही थीशन में बट पैरापोडिया तो ना ना सर्कुलर बेटा एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्रीन तो ये तो नहीं हो सकता ओके okay? नाउ बेटा दे आर दी सर्कुलर मसल्स फिर से वही बात लॉन्ग एंड सर्कुलर मसल तो है ही ना उनके पास इट हेल्प इन स्विमिंग यस इसमें कुछ पॉइंट लग रहा है बट अब uh, कुछ भी जजमेंट से पहले लास्ट वाला ऑप्शन भी पढ़ना जरूरी है इट इज दी ऑफ हाउ इज इट पॉसिबल टॉर्स पीछे थोड़ी लग रहे थे पीछे लगा के घूम रहे थे क्या साइड से अपेंडेजेस निकल रहे थे तो डेफिनेटली आंसर इज योर सी। दी इट हेल्प इन दी स्विमिंग ओनली एम आई राइट बेटा ऑब्वियसली आई एम राइट एक बार आप देख लो हा देखो ओके okay? नेक्स्ट बेटा दी राउंड वर्म निमेटो आर वॉट क्या होते हैं आपके राउंड वर्म्स आपको याद होगा फ्री लिविंग होते हैं कुछ एक्टोपैरासाइट भी थे कुछ एंडो पैरासाइट भी थे बट इनके पास एक प्रॉपर्टी है दे आर एंडो पैरासाइट एंड द एक्टो पैरासाइट इन प्लांट एज वेल एज इन योर एनिमल्स टू पैरासिटिक ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स ठीक है एक्वेटिक भी होते हैं टेरिस्ट्रियल भी होता है विच इज ऑल्सो राइट फ्री लिविंग भी होते हैं

तो देव किसके पास होंगी सिलेंट्रेटा आंसर इज योर ए नेक्स्ट बेटा वॉटर पाथ इन स्पॉन्जरी आपको फ्लो बताना है जो स्पॉन्जरी होते हैं ना जो आपके पॉरीफे होते हैं उनमें जो वाटर का जो इनलेट आता है मतलब वो ऑस्टिया से किधर गया फिर किधर गया ठीक है देख लेते हैं ऑस्टिया टू स्पॉन्जोसिल टू ऑस्कुलम ओके ऑस्कुलम से तो स्टार्ट ही नहीं होता पहले तो ऑस्टिया में आएगा ना ऑस्कुलम तो एग्जिट है ये तो होगा ही नहीं ओ, छोड़ो इसको फिर ऑस्टिया स्पॉन्जोसिल ऑस्टिया ऑस्टिया से स्पॉन्जोसिल फिर दोबारा ऑस्टिया बाहर नहीं जाना पानी को ये भी गलत गलत बोल रहा है बिल्कुल गलत दम नहीं है इसमें स्पॉन्जोसिल ऑस्टिया ऑस्कुलम अरे भाई पहले पानी को अंदर आने के लिए कुछ तो चाहिए सीधा कैविटी में थोड़ी चला जाएगा डी भी गलत आंसर इज योर बेटा ऑस्टिया टू स्पॉन्जोसिल स्पॉन्जोसिल टू ऑस्कुलम आंसर इज योर बेटा ए ओके यस अच्छा लग रहा है मजे आ रहे क्वेश्चन करने में कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है हो रहा होगा ठीक है अब मैंने कराए हैं कुछ क्वेश्चन क्योंकि मैं बेटा आपको पूरे नहीं करा सकती हूँ तो अब आपको क्या करना है इसके बाद अपनी बेटा मॉड्यूल्स खोलने हैं जो भी आपके साथ डीपीपी शेयर हो रही है और जो भी आपके साथ क्विज शेयर हो रही है जस्ट टू आंसर दैट एंड बेटा जितना पॉसिबल हो सके उतने पी क्यू सॉल्व करो एंड जितने प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा सकते हो सब लगाओ ठीक है उससे क्या होता है कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और आपको पता चलता है कि कितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं आपको क्वेश्चंस के पैटर्न्स पता चलते हैं बेटा अगर आप नहीं करोगे अब आप मुंह उठा के सीधा एग्जाम में घुस जाओगे ऐसे नहीं होता ऐसे एग्जाम क्लियर होगा भी नहीं बेटा तो आपको जितना प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस करो बेटा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट से यही हमारी ओके नेक्स्ट बेटा

बेटा बॉडी सपोर्टेड बाय एंडोस्केलेटिन यस स्पाइक्यूल्स होते हैं इसके पास स्पॉन्जिन फाइबर्स होते हैं विच इज मेड अप ऑफ दी कैल्शियम अगर आप बच्चों को याद होगा तो स्पाइक्यूल्स और दी स्पॉन्जिन फाइबर्स ये भी सही बात है लार्वा स्टेज इज मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट विच इज ऑल्सो करेक्ट दे स्पॉन्जिस हैव व्हाट बेटा दे हैव अ डायरेक्ट डेवलपमेंट एंड दे हैव अ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बेटा जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है जिसमें लार्वा होता है लार्वा क्या अपने पापा जैसा सेम दिख रहा रह होता है सॉरी पापा छोड़ो क्या अपने एडल्ट जैसा सेम दिख रहा होता है नहीं ना डिफरेंट होता है अभी इसे भी याद नहीं आ रहा इस, इसको भी कंपेयर नहीं करना तो इसको भी हटाओ फ्रॉग होता है फ्रॉग की लार्वल स्टेज होती है फ्रॉग का जो लार्वा होता है वो क्या होता है टेडपोल क्या वो अपने पेरेंट फ्रॉग जैसा दिखता है नहीं ना वो कैसा दिखता है ब्लैक कलर के स्पर्म जैसा दिखता है ना जो वाटर में रहता है और उसके पास तो रेस्पाइरेशन के लिए गिल्स होते हैं बट जो एडल्ट फ्रॉग होता है उसके पास क्या गिल्स है नहीं ना तो मॉर्फोलॉजिकली भी डिफरेंट है मॉर्फोलॉजिकली बाय डिफरेंट है ना उसकी स्ट्रक्चर इतना होता है और एडल्ट फ्रॉग तो पूरा ग्रीनिश कलर कलर में ऑलिव ग्रीन की बॉडी होती है वेंट्रल साइड से पेल येलो कलर का होता है जो टोटली डिफरेंट ना तो यही सही बात है बिल्कुल ये भी नेक्स्ट बेटा पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन गैदरिंग ऑफ फूड व्हिच इज आल्सो करेक्ट क्योंकि जो इनका वाटर कैनाल सिस्टम है बेटा डाइजेशन में रेस्पाइरेशन में आपकी सर्कुलेशन में एक्सक्रीशन में एंड दी रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है वही ये बोल रहे हैं फूड रेस्पिरेशन एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट मींस दे आर टॉकिंग हेयर अबाउट दी एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन की बात कर रहे हैं एक्सक्रीशन में क्या करते हैं रिमूव करते हैं ना वेस्ट को जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनाइज ऑर्गेनिज्म है ये ऑब्वियसली बाइसेक्सुअल है ना बाइसेक्सुअल याद आया बाईसेक्सुअल को क्या बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट और दूसरा क्या बोलते हैं मोनोशियस इसे जल्दी जल्दी बोलना है ठीक है ये क्या है बाई सेक्सुअल है ना और बेटा नेक्स्ट दे शो पावर ऑफ रिजनरेशन बहुत से बच्चे बोल रहे होंगे यार मैम ये पावर ऑफ रिजनरेशन कैसे आ गया है अमिताभ like बच्चन ऐसे लग रहा है केबीसी चल रहा है बढ़िया वाला बेटा पावर ऑफ रिजनरेशन फ्रेगमेंटेशन से भी सेक्शुअली uh, रिप्रोड्यूस करते हैं बेटा जब कोई चीज फ्रेग्रेन फ्रेगमेंट्स में डिस्ट्रॉय हो रही है इनकी बॉडी बेटा डिस्ट्रॉय हो जाती है छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में अब बेटा एक फ्रेगमेंट में टूटा अब वो फ्रेगमेंट बेटा धीरे धीरे बड़ा होगा तो क्या होगा उसकी सेल्स उस डिवाइड कर रहे होंगे ना रीजनरेशन पावर होगी तो ये दे डू हैव पावर ओके दे हैव अ पावर ऑफ रीजनरेशन सो तो ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू बेटा आंसर इज योर बी आंसर इज बी यस देखो बेटा ठीक है ओके, okay. बेटा के regarding बताना है कि जो आपके सेगमेंटेड एनिमल्स होते हैं ट्रू सेगमेंटेड मीन्स बेटा जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन वॉट इज मेटामेरिज्म बेटा मेटामेरिक बॉडी जो बॉडी होती है वो एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी डिवाइडेड होती है सर्टेन सेगमेंट्स में ओके okay? एंड बेटा व्हाट इज मेटामेरिज्म व्हेन द बॉडी इज मेटा मेरिजमली एंडली डिवाइड द सम ऑर्गन्स जिसमें कुछ ऑर्गन्स बेटा रिपीट करने चाहिए जो मैंने आपको प्रॉपर बताया था कि अगर एक अर्थवर्म की बॉडी मैं यहाँ पर बना रही हूँ सपोज दिस इज योर अर्थवर्म बॉडी अगर ये आपका अर्थवर्म है तो अगर बेटा अर्थवर्म में अगर ऊपर बेटा मेल है नीचे फीमेल है सपोज करो जस्ट टू लेट सपोज तो ऊपर अगर बेटा मेल्स के पास ब्लड वेसल्स हैं और कुछ नर्व्स हैं तो बेटा वही सेम नीचे देखने के लिए मिलेंगी फीमेल के पास सो द ऑर्गन्स बेटा दे आर रिपीटेड ना अब इनको भी छोड़ो ह्यूमन बॉडी देखो बॉडी सेगमेंटेड होती है एंड बेटा इंटरनली अपने ऑर्गन भी तो रिपीट कर रहे हैं अब बोलोगे कहाँ कर रहे हैं क्यों नहीं कर रहे हैं ट्वेल्थ पेयर ऑफ रिप्स क्या है ये क्या ये अलग अलग किस्म की हैं वो बात अलग है अलग अलग होती है ट्रू रिप्स फॉल्स रिप्स ये सब पढ़ेंगे हम ठीक है बट बेटा रिपीट्स तो करनी है आपकी पेयर ऑफ रिब्स ऐसा दुनिया एक रिब्स अलग प्लान से ही आ रही है आपकी इतना हो रहा ऐसा ठीक है नाउ बेटा एवरी ऑर्गन शोज रियल रिपीटेशन ओके द बॉडी इज डिवाइडेड इंटरनली एज वेल एज इंटरनली यस ओके ईच सेगमेंट इज नॉट सप्लाई विद सेपरेट नर्व एंड दी ब्लड वेसल्स ऑब्वियसली बेटा हर एक ब्लड में बेटा सप्लाईड नहीं होता सेपरेट ब्लड वेसल्स और दी नर्व्स तो बेटा और सारी ही आपके स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि मैंने क्या बताया था कि कुछ में होगा बेटा ठीक है अगर ऐसा नहीं है कि इसमें ब्लड है तो यही से मिलेंगे नो no, आपको कुछ मिलेंगे इट्स नॉट की लाइक पूरे में मिलेगा तो द ऑप्शन इज योर बेटा डी ऑल ऑफ दिस ओके नो 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 द फर्स्ट बेटा एवरी ऑर्गन शो सीरियल रिपीटेशन नो बेटा एवरी ऑर्गन इज नॉट शोइंग दी सीरियल रिपीटेशन नो ओके तो यस, मैम भी गलती करती हैं ऑब्वियसली मैंने वो ध्यान से नहीं पढ़ा, आपको नहीं करनी ऐसी मिस्टेक एवरी ऑर्गन बेटा दे आर नॉट शोइंग दी सीरियल रिपीटेशन बेटा द बॉडी इज डिवाइडेड एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली इट इज ट्रू ओनली नेक्स्ट बेटा ईच सेगमेंट इज नॉट सप्लाइड विद सेपरेट नर्व एंड द ब्लड वेसल्स इस बात में बेटा थोड़ा पॉइंट है अगर हमारे पास कि ये प्रॉपर लाइन नहीं होती देन वी विल गो फॉर दी सी क्योंकि हम हमेशा बेस्ट वन देखते हैं बट हमारे पास पास अपनी बेस्ट स्टेटमेंट है इज योर द बॉडी इज डिवाइडेड एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली सो ऑप्शन इज योर बेटा बी ऑप्शन इज योर बी आंसर इज योर बी ओके बिहेर नेक्स्ट बेटा द दाउथ विच फाइव लाइक रेस्पिंग ऑर्गन कॉल्ड रेड्यूला बेटा रेड्यूला किसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मॉलिस का मॉलिस्का इज योर सेकेंड लार्जेस्ट फाइल ना बेटा उसके पास एक फाइल शार्प लाइक रेस्पिंग और ऑर्गन होता है जो वो हेल्प करता है ग्रास करने में ग्रास्पिंग में बहुत ही शार्प होता है बेटा ग्रास करने में हेल्प करता है टीयरिंग में हेल्प करता है कटिंग में जस्ट लाइक यू गाइस हैव अ कनाइंस ना विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीयरिंग एंड प्यिंग पर्पज सो दे है फाइल वेरी शार्प ऑर्गन दे हैव

इसके रेड्यूला को किससे एसोसिएटेड करा है बेटा माउस से ठीक है सो इस जो भी एक्सक्लूसिवली कैरेक्टर्स हैं किसी भी पर्टिकुलर फाइलम्स के वो आपको याद करने हैं ठीक है बेटा आई होप बेटा द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू नाउ आई होप आपको एक अच्छे अच्छे से हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा किसी में आपको पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इफ यू हैव एनी डाउट और आपको लगता है कि ये समझ में नहीं आया या इसको थोड़ा और पूछना चाहिए तो बेटा डू योर कमेंट आप कमेंट में पूछ सकते हैं और या आप क्वेरी में डाल सकते हैं तो आई विल लेट यू नो अबाउट दैट पर्टिकुलर डाउट ओके तो बेटा ऐसे ही आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है और इसी प्रैक्टिस की रिदम को मेंटेन करना है जब तक अब आपका नीट का एग्जामिनेशन नहीं आता जो भी एक्स वाई जेड थॉट्स हैं सब निकाल दो जस्ट डू कंसंट्रेट ऑन योर स्टडी सिर्फ आपका फोकस एंड गोल अभी आपकी स्टडी होनी चाहिए उसके अलावा आपके दिमाग में कुछ नहीं आना चाहिए नथिंग ठीक है दिमाग में ये ले आओ वो ले आओ कुछ नहीं बेटा वंस यू गेट अ सीट ट्रस्ट में यू विल गेट एवरी आपको हर टाइम ना बेटा एक पर्टिकुलर फेज ऑफ टाइम पर ही अच्छी लगती है अब बहुत ही सोचोगे यार मैम बहुत हो गया आपका आज का मोटिवेशन ओके okay, मैं आपको ऐसे ही मोटिवेट करती रहूंगी क्योंकि ये सब मैंने फेस करा है तो मैं जब नीट ड्रॉपर थी तो मेरे साथ भी ये सब चीज़ें हुई थी येस बट आई को ओवरकम एंड आई गॉट ए सीट तो इस होता है ना बेटा इसलिए तो तुम लोगों को भी इसी ही मेहनत करना है ओके तो बेटा ओके टेक केयर बाय बाय एंड ऐसी प्रैक्टिस करते हैं बाय बाय